यहाँ पर D4 की बात करूंगा तो D4 के सारे सब ग्रुप के बारे में बात करूंगा आपसे। तो D4 के सब ग्रुप कैसे होते हैं, लाइक पहले मैं बताऊंगा कि D4 में एलिमेंट किस टाइप के थे, R0, R90, R180, R270, फिर मेरे पास था H, V, D, D-, इन सब का ऑर्डर क्या होगा, मेरे पास ये सारे रिफ्लेक्शन है, इनका ऑर्डर मेरे पास 2 होगा फ्रेंड, 2 2 2 2, और इसका इनका ऑर्डर क्या होगा, मेरे पास इसका ऑर्डर 1 होगा, इसका 4 होगा, इसका 2 होगा, एंड इसका इसका मेरे पास क्या होगा, इसका भी मेरे पास 4 होगा फ्रेंड। तो ये मेरे पास इनके ऑर्डर हो गए। अब मुझे सब ग्रुप बनाना है, अगर तो मैं सब ग्रुप कौन कौन से बनाऊंगा, सारे 2 ऑर्डर के बना सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास सारे 2 ऑर्डर के मिल जाएंगे अलग अलग। तो मैं पहले आइडेंटिटी से ले रहा हूँ, अगर मैंने H1 एक सब ग्रुप बनाऊंगा तो मैं मेरे पास क्या आएगा, ओनली R0, मैं ऐसा सब ग्रुप बना सकता हूँ इसका। फिर मैं क्या करूँगा, सारे 2 ऑर्डर का बनाऊंगा, सारे 2 ऑर्डर का बनाऊंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, H2 मेरे पास बनेगा आइडेंटिटी लाइक R0 H, एक ये बनेगा मेरे पास, फिर मेरे पास बनेगा एक S3 R0 V, फिर मेरे पास एक बनेगा H4 R0 D, H5 मेरे पास एक बनेगा R0 D-, ये मेरे पास 2 ऑर्डर के हो गए, और एक 2 ऑर्डर का ये भी बनेगा फ्रेंड। तो इसके मतलब ये मेरे पास H6 क्या होगा, R0 R180। H7 की बात करूंगा तो ये देखिए, अब यहां पर अगर मैं सारे रोटेशन ले लूं, सारे अगर मैं रोटेशन ले लूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं R0 है, ये 4 ऑर्डर का है, ये भी 4 ऑर्डर का है, ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, और ये 2 ऑर्डर का है, तो ये बेसिकली Z4 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा भाई मेरे। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, रोटेशन से एक सब ग्रुप बना रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या होगा, अगर मैं रोटेशन से सब ग्रुप बना रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, लाइक R0 R90 R180 R270। तो रोटेशन से मैंने एक सब ग्रुप बनाया, ये मेरे पास क्या होगा, 1 ऑर्डर का होगा, ये 4 ऑर्डर का होगा, ये भी 4 है, ये भी 2 है। तो आप देखेंगे साफ साफ कि मेरे पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट भी है, इनवर्स भी लाई कर रहा है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा, Z4 के आइसोमॉर्फिक लाइक साइक्लिक होगा। साइक्लिक में से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक तो एलिमेंट ऐसा है ना जिसका ऑर्डर 4 है, दो एलिमेंट हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका ऑर्डर क्या हो, ग्रुप के अगर ऑर्डर के सिमिलर इक्वल हो, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि वो साइक्लिक होगा। तो 4 ऑर्डर का किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये मेरे पास ऐसा बन गया फ्रेंड। अब मेरे पास एक और होगा H8, लाइक वो क्या होगा, D4, वो D4 खुद होगा। तो इसमें अभी और भी सब ग्रुप बनेंगे, तो अभी मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आगे जब मैं इसके और भी पॉसिबल चीज़ें दिखाऊंगा कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल सब ग्रुप कितने होंगे, तो वो सब आगे मैं डिस्कस करूँगा आपसे। तो इनके अभी एक मतलब सब ग्रुप इसका और बनेगा, तो अभी मैंने ये सब ग्रुप दिखाए हैं, तो इनमें क्या है देखिए, ये सारे क्या है, ये Z2 के आइसोमॉर्फिक होंगे। 5 सब ग्रुप है मेरे पास Z2 का आइसोमॉर्फिक, एक मेरे पास ये Z1 का आइसोमॉर्फिक है, और ये मेरे पास Z4 का आइसोमॉर्फिक। तो मेरे पास कभी भी अगर रोटेशन होगी ना, तो वो हमेशा क्या होगी, एक रोटेशन से सब ग्रुप बनेगा, D4 का ऑर्डर कितना है, 8 है। तो D4 का ऑर्डर कितना है मेरे पास, 8 है। तो क्या D4 साइक्लिक होगा, D4 साइक्लिक नहीं होगा, क्योंकि 8 ऑर्डर का इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कोई भी कि इनको सबको जनरेट कर दे, तो D4 नॉन साइक्लिक होगा। मैंने जैसा कि अबेलियन के बारे में बोला था, अबेलियन नहीं होगा, तो ये अबेलियन भी नहीं होगा। तो D4 क्या है, नॉन साइक्लिक नॉन अबेलियन है। तो यहाँ इसके सब ग्रुप क्या आ रहे हैं, यहाँ पर इसके साइक्लिक आ रहे हैं। तो अभी और भी होगा तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगा फ्रेंड। तो ये इसके सब ग्रुप हो गए, और D4 क्या होता है, नॉन साइक्लिक नॉन अबेलियन होता है फ्रेंड। तो थैंक्स। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो नेक्स्ट है मेरा पास ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल।
अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम लोग सिमेट्री के बारे में देखेंगे कि ग्रुप होगा कि नहीं होगा, कैसे लाइक उसके एलिमेंट होंगे, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा कि हम सब जानते ही हैं, तो अगर मैं ड्रॉ करूँगा इक्विलेटरल ट्रायंगल को, लाइक मेरे पास कुछ ऐसा होगा, 2D हम लोग बनाएंगे, लाइक मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ बनाया, ये ए पॉइंट है मेरे पास, ये बी है एंड ये सी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर टू वर्टिसेस के बीच में कितना एंगल होगा, 120 ए और बी के बीच में कितना होगा, 120 होगा, ए और सी के बीच में 120। और अगर मैं इसको 120 रोटेट करूंगा तो मेरे पास पोजीशन सेम आ जाएगी। मुझे क्या देखना है, बेसिकली सिमेट्री देखनी है इसकी। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पर बी को जैसे ही मैं 120 रोटेट करूंगा मेरे पास ए पॉइंट बी पर चला जाएगा और बी सी पर आ जाएगा और सी ए पर चला जाएगा, मतलब सेम रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 120 से पहले एंगल पर आप कभी भी इसको रोटेट करेंगे तो कभी भी ये अपनी लाइक इनिशियल पोजीशन में, इनिशियल पोजीशन बोलूँ या कहने वाला जैसी इसकी पोजीशन है उस पोजीशन में कभी नहीं रहेगा। तो 120 पर ये हमेशा 120 पे मूव करेगा, लाइक ए मेरे पास बी पर होगा, बी सी पर होगा और सी ए पर होगा मेरे पास, लाइक इसी तरह आ जाएगा मेरे पास। तो क्या करेंगे हम लोग इसको, अब हम इसमें भी देखेंगे, रोटेशन देखेंगे, रोटेशन कितनी होगी, रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो बस हम सिमेट्री ऑफ कोई भी अगर जैसे होता है मेरे पास, डीएन की भी आगे मैं बात करूंगा, तो उसमें रिफ्लेक्शन और रोटेशन दो ही चीजें हम लोग देखते हैं कि वो उसको कितना रोटेट करें, ऐसी क्या-क्या रोटेशन हो सकती हैं कि उसकी सिमेट्री सेम रहे, उसकी सिमेट्री सेम रहे फ्रेंड। तो बस यहां पर मैं जस्ट यही कर रहा हूं। और इसको हम लोग कैसे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो मूव कैसे करना है, बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं रोटेट करूंगा इसको थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, रोटेट एट, पहले मैं थीटा इज इक्वल टू 0 पे करता हूं तो मेरे पास आर नॉट आएगा, जैसे कि हमने D4 में भी बात की थी कि अगर मैं यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 पर करूंगा तो आर नॉट आएगा मेरे पास, तो वो सेम रहेगा। थीटा इज इक्वल टू 0 पर मेरे पास आर नॉट होगा, लाइक सेम बनेगा मेरे पास, ए होगा, बी होगा, सबकी पोजीशन फिक्स रहेंगी, सी होगा। अब इसी तरह अगर मैं रोटेट एट थीटा, एट थीटा इज गोज टू 120 करूंगा फ्रेंड, तो मेरे पास ए कहां शिफ्ट हो जाएगा, बी पर शिफ्ट होगा, बी शिफ्ट होगा सी पर एंड सी शिफ्ट होगा ए पर। तो ये मेरे पास लाइक कुछ ऐसा होगा, ए मेरे पास यहाँ आएगा, बी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, और 120 पर शिफ्ट करने पर, तो ये मेरे पास आर 120 हो गया, एक रोटेशन आर 120 हो गए। अब आप देखिए, अगर मैं आर 120 का ऑर्डर भी यहीं पर निकाल लेता हूँ, आर 120 का ऑर्डर अगर निकालना चाहूँगा तो मेरे पास क्या होगा, आर 120 को मैं फिर से करूँगा। देखिए ऑर्डर क्या होता है, आप कितनी बार ऑपरेट करें आइडेंटिटी आ जाए, इसकी आइडेंटिटी आर नॉट होगी। आप कितनी बार इसको ऑपरेट करेंगे मेरे पास, मतलब इसको मैं कितनी बार ऑपरेट करूंगा कि मेरे पास आर नॉट आ जाएगा। तो आप देखेंगे एक बार मैंने ऑपरेट किया तो मेरे पास ए पर ही रहा, लाइक आर 120, फिर टू टाइम्स ऑपरेट करूंगा तो ए मेरे पास बी पर चला जाएगा, बी सी पर है होगा और सी मेरे पास ए पर होगा, फिर एक बार और मैं ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास ए सी पर आ जाएगा और सी मेरे पास फिर मैं ऑपरेट करूंगा तो सी मेरे पास यहाँ होगा और बी मेरे पास यहाँ होगा। तो आप क्या करेंगे, 3 times इसको जब ऑपरेट करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, आइडेंटिटी दे देगा फ्रेंड। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर 120 का ऑर्डर क्या होगा, बेसिकली आर क्यूब करने पर मेरे पास आर नॉट आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। अब इसी तरह अगर मैं बात करूंगा रोटेट एट थीटा इज इक्वल टू 240, देखिए ये 120 है, अगर मैं 240 पर रोटेट करूंगा इसको, 240 पर रोटेट करूंगा तब भी मेरे पास सिमेट्री सेम रहने वाली है, मुझे ऐसा एंगल देखना है जिसमें सिमेट्री सेम रहे। तो अब यहां पर मैं करूंगा रोटेट एट थीटा इज इक्वल टू 240, तो इसको अगर मुझे करना है तो क्या होगा, लाइक ए बी सी 240 पर करूंगा फ्रेंड। तो आप देखेंगे ए मेरे पास क्या 120 पर करने पर बी पर जा रहा था, 240 पर करने पर मेरे पास यहां पर आ जाएगा, तो ए सी की जगह रिप्लेस होगा, लाइक रिप्लेस क्या, ए सी की जगह आएगा और सी किसकी जगह आएगा, बी की जगह आएगा जब मैं 240 रोटेट करूंगा और बी मेरे पास ए की जगह आएगा। तो लाइक इसमें क्या होगा, चेंजमेंट कैसा होगा, मैं ऐसा दिखा देता हूँ यहाँ पर करके, ए बी सी किस टाइप में होगा मेरे पास,
ए मेरे पास सी पर आएगा, सी मेरे पास बी पर जाएगा और यहाँ पर बी आएगा। तो फ्रेंड्स ये मेरे 240 रोटेट करने पर ऐसा कुछ आएगा, तो आर 240 मेरे पास ऐसा आएगा। अच्छा अब आप देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, मैं कितनी बार ऐसा 240 ऑपरेट करूंगा कि मेरे पास आर नॉट आ जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, मुझे ऑर्डर देखना है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 240 करूंगा मेरे पास ए आएगा और फिर उसके बाद ए यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर जाएगा और बी मेरे पास यहाँ पर जाएगा। एक बार फिर से मैं 240 ऑपरेट करूंगा तो आप देखेंगे ए मेरे पास फिर बी की जगह जाएगा, ए मेरे पास कहाँ जाएगा, बी की जगह जाएगा और फिर उसके, ये आप कर सकते हैं इजिली, ए मेरे पास बी की जगह जाएगा और सी मेरे पास यहाँ था तो सी मेरे पास कहाँ जाएगा, लाइक अगर मैं इसको 240 फिर से ऑपरेट करूँगा, यहाँ पर देखते हैं अगर 240 मैं फिर से ऑपरेट करूँगा तो ये मेरे पास क्या जाएगा, फिर से मैंने ऑपरेट किया तो ए मेरे पास कहाँ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज हमको करना है, हमको करना कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज करना होता है जैसे कि मैंने आपको D4 में बताया था, एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो ए मेरे पास कहाँ जाएगा, सी पर जाएगा, लाइक मेरे पास पोजीशन कैसी आएगी, ए मेरे पास सी पर जाएगा और सी मेरे पास कहाँ चला जाएगा, बी पर चला जाएगा और मेरे पास ये बी कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा फ्रेंड। और फिर अगर मैं 240 ऑपरेट करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, ए मेरे पास सी पर आएगा, बी मेरे पास ए पर आएगा और सी मेरे पास यहाँ आएगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आर नॉट बन जाएगा फ्रेंड। तो आप सबसे देखेंगे ये मेरे पास आर नॉट ही बन जाएगा, ए बी सी। तो आर 240 का ऑर्डर क्या है, 3 है यहाँ पर, आर 240 को मैंने कितने टाइम ऑपरेट किया, 3 टाइम ऑपरेट किया तो मेरे पास आर नॉट आया। तो आर 240 का ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर आर 240 का भी ऑर्डर 3 है, आर 120 का ऑर्डर भी 3 है। तो क्या अब इसके अलावा कोई रोटेशन मिल सकता है, इसके अलावा मेरे पास कोई रोटेशन नहीं मिलेगा, इसके अलावा कोई रोटेशन नहीं मिलेगा यहाँ पर कि आप किस एंगल से मूव करो इसको कि सिमेट्री सेम रहे, तो इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, आर नॉट मिलेगा, आर 120 मिलेगा और आर 240 मिलेगा यहाँ पर। तो ये हो गया रोटेशन का। अब मैं यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन देखूंगा, यहाँ पर अगर मैं रिफ्लेक्शन देखूंगा फ्रेंड तो क्या होगा, अब मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आपसे रिफ्लेक्शन के बारे में, या तो मैं बोलूं इसमें फ्लिप थ्रू, फ्लिप थ्रू लाइन L1। अब मैं यहां पर L1 किसे बोल रहा हूं, मैं L1 इसे बना रहा हूं फ्रेंड, L2 इसे बना रहा हूं, ये L2 हो गई, ये L1 हो गई और L3 मैं इसे बना रहा हूं। तो ये हालांकि आपस में मतलब इनके सेंटर सेम होंगे अगर देखा जाए तो, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा होगा ए बी सी, L1 में लाइक ऐसा बनाऊंगा कुछ, L2 में लाइक ऐसा कुछ बनाऊंगा, इसको मैंने L3 दिया है तो इसको मैं L3 बोलता हूँ और ये मेरे पास क्या होगा, लाइक ऐसा, ये मेरे पास L2 होगा। तो L1 L2 L3 के रेस्पेक्ट में मुझको क्या करना है, इसको फ्लिप करना है, फ्लिप मतलब रिफ्लेक्ट करना है। तो अब इतना लेके हम थोड़ा एक सिंपल ले लेते हैं इसको, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, इक्वलेटरल ट्रायंगल है मेरे पास तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, मैंने वो एक्सिस पे दिखाया था। अब मैं इसको ऐसे अगर सिंपली लेना चाहूँ तो लाइक सिंपल वर्क करते हैं हम लोग, अगर मैं यहाँ पर ए लेता हूँ, बी लेता हूँ, सी लेता हूँ। अब आप देखिए एक लाइन ये होगी, इसको मैं L1 बोल रहा हूँ, एक लाइन ये होगी, इसको मैं L2 बोल रहा हूँ, इसके अबाउट मुझको रिफ्लेक्ट करना है इनको और एक लाइन ये होगी मेरे पास, ये L3 हो गया मेरे पास। तो ये मुझे बस ऐसे अब रिफ्लेक्ट करना है, पहले L1 के थ्रू अगर मैं करूँगा रिफ्लेक्ट तो मेरे पास क्या होगा, B और C इंटरचेंज होगा। आप देखेंगे L1 के थ्रू लाइन L1, तो लाइन L1 के थ्रू अगर मैं करूँगा यहाँ पर तो आप देखेंगे A है, ये B है, ये C है, ये है। L1 के थ्रू अगर मैं इसको करूंगा तो BC इंटरचेंज होंगे आपस में, BC क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। तो ये मेरे पास क्या आएगा, BC इंटरचेंज होंगे मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या होगा, L1 के थ्रू अगर मैं करूंगा तो इसके पास B और C इंटरचेंज हो जाएंगे, तो लाइक मेरे पास फाइनल क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, A C B आएगा फ्रेंड। तो ये L1 के रिस्पेक्ट में चेंज, क्योंकि A तो फिक्स रहेगा मेरे पास, तो ये L1 हो गया। अगर सोचिए L1 को फिर से मैं ऑपरेट करूंगा, अगर मैं फिर से यहाँ पर आप देखेंगे कि A को मैं फिर से एक बार ऑपरेट करूंगा, फिर से फ्लिप करूंगा तो फिर से BC इंटरचेंज होंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, फिर से अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो मेरे पास फिर से ये आ जाएगा, लाइक इनिशियल पोजिशन आ जाएगी A B और C। इसका मतलब क्या है कि L1 को मैं 2 टाइम्स ऑपरेट कर रहा हूँ तो मेरे पास R0 आ जा रहा है,
L1 को मैं 2 टाइम्स ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ जा रही है। तो इसका मतलब क्या, L1 का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ L1 का ऑर्डर क्या होगा, 2 है। इसी तरह अगर मैं L2 की बात करूंगा फ्रेंड, यहाँ पर लाइक फ्लिप थ्रू लाइन L2, तो L2 की अगर मैं बात करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर A B C, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये तो नहीं दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूँ, स्केच कर रहा हूँ मैं A B C। अगर मैं इसको L2 के थ्रू करूंगा, लाइक मैं L2 इसे बोल रहा था, तो L2 के थ्रू करूंगा, इस बार क्या होगा, इंटरचेंज मेरे पास A और C इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मेरे L2 के थ्रू अगर कर रहा हूँ तो मेरे पास A और C इंटरचेंज हो जाएंगे, A यहाँ होगा, C यहाँ होगा और B फिक्स होगा मेरे पास। तो L2 मेरे पास क्या आएगा, लाइक ऐसा आएगा कुछ। अगर फिर से मैं L2 ऑपरेट करूँगा तो फिर से आइडेंटिटी बन जाएगा। तो आइडेंटिटी अब इस बार दिखा नहीं रहा हूँ फ्रेंड, L2 का ऑर्डर भी क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह अगर मैं L3 की बात करूँगा, फ्लिप थ्रू लाइन L3, अगर मैं L3 की बात करूँगा तो देखिए क्या होता है मेरे पास, कुछ ऐसा होगा A B C। L3 की अगर मैं बात करता हूँ, L3 लाइक मेरे पास ये है, प्रॉपर बन गया ये, यहाँ 20 से जाएगा, ऐसा होगा कुछ। अब आप देखिए अगर मैं L3 के करूँगा तो A और B मेरे पास इंटरचेंज हो जाएगा, A B, और ये मेरे पास C है। तो मेरे पास क्या होगा, ये L3 के लाइक ऐसे A और B इंटरचेंज, और फिर से मैं L3 ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी। तो L3 का भी ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पर कि जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं उनका ऑर्डर 2 होता है, जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। क्योंकि एक बार आप रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर से आप एक बार रिफ्लेक्ट करेंगे तो सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। तो जितने भी रिफ्लेक्शन होंगे उन सबका ऑर्डर 2 होगा। अब इसके अलावा मुझे कोई भी ऐसा सिमेट्री नहीं मिलेगी, लाइक रोटेशन में नहीं मिलेगी, ना ही मुझे रिफ्लेक्शन में मिलेगी कि आप ऐसा रिफ्लेक्ट कर दो तो ये मेरे पास सिमेट्री सेम होगी। तो ऐसा अब इनके अलावा मुझे कोई नहीं मिलने वाली है। तो मेरे पास क्या क्या मिला, क्या R0 मिला, R120 मिला, R240 मिला, और मेरे पास फिर L1 मिला, L2 मिला, L3 मिला। तो ये मेरे पास 3 रिफ्लेक्शन मिले एंड 3 रोटेशन मिले। तो देखिए हो क्या रहा है, D4 में भी हमने किया था तो उसमें मुझे 4 रोटेशन मिले थे, 4 रिफ्लेक्शन मिले थे, और यहां पर भी मुझे क्या मिला, 3 रिफ्लेक्शन 3 रोटेशन मिले। तो यहां पर भी सेम ऐसा ही हुआ। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके सेट बताऊंगा, लाइक कि इसके एलिमेंट किस टाइप के, तो बता दिए मैंने, और उनका ऑर्डर भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो नेक्स्ट में मैं सब इसके बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पर कि ग्रुप मेरे पास क्या है। लाइक मैंने यहाँ पर दिखा दिया 3 रिफ्लेक्शन मुझे मिले और 3 मुझे रोटेशन मिले। तो अब मैं अगर सेट डिफाइन करूंगा तो कैसे करूंगा, इसको बोलते क्या है वो मैं यहाँ पर अब लिखूंगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड D3 से। इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, R0 होंगे, मुझे R120 मिला था, R240 मिला था, और फिर उसके बाद मुझे एक रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन L1 मिला था, L2 लाइन मिली थी, L3 लाइन मिली थी, बस। इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा नहीं था एलिमेंट। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट मेरे पास मिले, D3, इसको मैंने एक रिप्रेजेंट किया है, R0, R120, R240, L1, L2, L3। तो ये मेरे पास कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है फ्रेंड। तो D3 का ऑर्डर कितना है, 6 है। सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि D3 का ऑर्डर क्या है, 6 है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इन सब के ऑर्डर दिखा देता हूँ मैं। ये आइडेंटिटी है, इसका 1 होगा, इसका मेरे पास कितना आया था, 3 आया था ऑर्डर, इसका कितना आएगा, 3 आएगा ऑर्डर, और इन सब का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। इन सब का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने D3 दिखाया आपको, सारे एलिमेंट्स के बारे में बताया और सबका ऑर्डर बताया। अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, ये मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्शन है, इनको मैं दिखा देता हूँ, ये रिफ्लेक्शन होगी और ये मेरे पास क्या है, ये रोटेशन है। तो ये मेरे पास रिफ्लेक्शन है और ये मेरे पास रोटेशन है। तो अब आप देखेंगे जितनी जो भी मैं D बनाऊंगा ना, बेसिकली वो क्या होगा, जितनी रोटेशन होगी उतनी ही रिफ्लेक्शन होगी। तो पहली चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जितनी रिफ्लेक्शन होती है उतनी ही रोटेशन होती है, मतलब दोनों क्या होती है, हमेशा सेम होगी, जितनी रोटेशन होगी उतनी ही रिफ्लेक्शन होगी मेरे पास। तो
हम ये आगे डीएन में बात करेंगे तो अच्छे से मैं बताऊंगा आपको। तो अभी मैं D3 की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, रोटेशन है, ये रिफ्लेक्शन है। अब इसके सब ग्रुप अगर मैं देखूँ तो सब ग्रुप क्या क्या बन सकते हैं इसके पास। अब देखिए, जितने ऑर्डर का एलिमेंट होगा वो अपने आप में एक सब ग्रुप बनाएगा, जितने ऑर्डर का एलिमेंट होगा वो अपने आप में एक सब ग्रुप बनाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, अगर मैं 2 ऑर्डर के देखूँ इसमें कितने एलिमेंट है मेरे पास, 3 एलिमेंट है, वो अलग अलग सब ग्रुप बनाएंगे। तो अगर मैं एक सब ग्रुप लूंगा यहाँ पर H1, तो 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी आएगी R0। R0 मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी का ही है। तो यहाँ पर एक L1 आएगा, क्योंकि मैं L1 को 2 टाइम्स ऑपरेट कर रहा हूँ तो मेरे पास R0 आता है, तो एक सब ग्रुप मेरे पास ऐसा बनेगा। इसी तरह अगर सेकंड सब ग्रुप में लूँगा, दूसरा सब ग्रुप लूँगा, लाइक ऐसे R0, L2 होगा। इसी तरह अगर मैं तीसरा सब ग्रुप लूँगा तो मेरे पास आएगा R0, L3 होगा। तो ये मेरे पास 2 ऑर्डर के ऐसे 3 सब ग्रुप मिल जाएंगे। 3 सब ग्रुप मैं इसके सब ग्रुप बना रहा हूँ बेसिकली। अब तो ये मेरे पास क्या मिल जाएंगे, 3 और लाइक 2 ऑर्डर के मुझे 3 सब ग्रुप मिल जाएंगे यहाँ पर। अब इसी तरह देखेंगे, एक सब ग्रुप मेरे पास ये बनेगा R0, R120, R240। तो सभी रोटेशन मिला के एक सब ग्रुप मिलता है। ये आगे मैं जब DN में डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है, इनको मिला के एक मेरे पास सब ग्रुप बनेगा। कैसे, ये R0 है, ये 3 ऑर्डर का एलिमेंट है और ये भी 3 ऑर्डर का एलिमेंट है। इससे ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये इसका इन्वर्स है। हालांकि करके भी देखेंगे तो आ जाएगा। तो क्योंकि 3 ऑर्डर का हमेशा एलिमेंट होता है वो पेयर में आता है, मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे, 3 ऑर्डर का एलिमेंट हमेशा पेयर में आता है। तो ये मेरे पास, और 2 ऑर्डर के ऑड होते हैं, तो आप सब देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऑड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, R120, R240, 3 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का है तो इसका इन्वर्स भी आएगा। तो 3 ऑर्डर का और कौन सा एलिमेंट है, तो भाई 240 है, तो इसका मतलब है R120 का इन्वर्स R240 होगा। आप ऑपरेट करके देख सकते हैं, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो R120, R240 और R0, इनसे मैं एक सब ग्रुप बना सकता हूँ। तो मेरे पास एक सब ग्रुप बनेगा H4 R0, R120, R240। तो मेरे पास एक सब ग्रुप ऐसा बनेगा। और ये क्या होगा मेरे पास, ये देख सकते हैं आप, ये 1 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 ऑर्डर का है, ये Z3 के आइसोमॉर्फिक होगा। ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z3, क्योंकि 3 ऑर्डर का मुझे क्या मिलता है, 3 प्राइम है। प्राइम ऑर्डर होता है तो हमेशा साइक्लिक मिलता है, अगर ऑर्डर प्राइम होता है ग्रुप का तो हमेशा साइक्लिक मिलता है, और अगर साइक्लिक ग्रुप हो गया तो हम हमेशा Zn के आइसोमॉर्फिक करते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑर्डर का मेरे पास प्राइम है, साइक्लिक होगा तो हम Z3 का आइसोमॉर्फिक करेंगे, तो मुझे Z3 टाइप का एक मिलेगा इसके पास। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये मेरे पास Z3 टाइप का मिलेगा, और क्या इसके पास अब सब ग्रुप कोई मिलेगा, इसके पास और क्या कोई सब ग्रुप मिलेगा। तो इसके पास एक D3 खुद होगा, एक मेरे पास D3 खुद होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर मेरे पास D3 एक H5 होगा लाइक, तो वो क्या होगा, वो खुद D3 होगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, H5 एक मिलेगा, वो D3 खुद होगा, और एक सब ग्रुप मेरे पास आइडेंटिटी बनेगी R0 ही, लाइक H6 = R0 आइडेंटिटी। तो मेरे पास 6 सब ग्रुप हो गए इसके 6 सब ग्रुप हो गए। D3 के कितने सब ग्रुप हो गए, मेरे पास 6 सब ग्रुप हो गए, जिसमें से 5 सब ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। 5 देखिए, 2 ऑर्डर के तो सारे Z2 के आइसोमॉर्फिक होंगे, ये सारे क्या होंगे, Z2 के आइसोमॉर्फिक होंगे। जब मैं आगे टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा तो सबको ऐसे ही लिखूंगा फ्रेंड। तो अभी तो मैं बताता चल रहा हूँ, एकदम थोड़ा मतलब कि ऐसे ओपन करके चल रहा हूँ। तो मैं जब टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा तो सबको इसी तरह लिखूंगा कि Z2 टाइप के कितने होंगे, Z3 टाइप के कितने होंगे, तो ये सब ऐसे मैं बताऊंगा आगे चल के, ऐसे ही होने वाला है कुछ। और यहाँ पर अभी तो मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली होंगे कौन कौन से, ये Z2 टाइप का होगा, ये भी Z2 टाइप का है, देखिए 2 ऑर्डर का है तो Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा, 2 ऑर्डर का है तो Z2 टाइप के। तो Z2 टाइप के इसके पास कितने मिले, 3 मिले मेरे पास। Z3 टाइप के कितने मिले, 1 मिला मेरे पास, और यहाँ आइडेंटिटी है 1, तो ये Z1 का है, लाइक ये Z1 का आइसोमॉर्फिक होगा, और यहाँ पर D3। तो इसका मतलब इसके सारे सब ग्रुप क्या है, इसके सारे सब ग्रुप क्या है, साइक्लिक हैं। इसके सारे सब ग्रुप, सारे प्रॉपर सब ग्रुप, लाइक प्रॉपर सब ग्रुप क्या है D3 के, साइक्लिक हैं। क्या D3 खुद साइक्लिक है या अबेलियन होगा, तो D3 के साइक्लिक के लिए अगर मुझे देखना है तो भाई 6 ऑर्डर का मेरे पास एलिमेंट होना चाहिए। D3 का ऑर्डर कितना है, 6 है, तो 6 ऑर्डर का मेरे पास एलिमेंट होना चाहिए। तो क्या इसके पास 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है, नहीं है, 6 ऑर्डर का मेरे पास एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट इन सबको जनरेट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये है कि D3 मेरे पास नॉन साइक्लिक होगा। भाई देखो, जो चीज हमने पढ़ रखी है बस मैं वही यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो उतनी हार्ड मतलब इजी चीजें हैं सारी। तो मेरे पास 6 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए वो जनरेट नहीं कर पाएगा सारे एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर क्या होगा, D3 नॉन साइक्लिक होगा। अब मुझे देखना है क्या ये अबेलियन होगा, अब मुझे ये देखना है क्या ये अबेलियन होगा। तो अबेलियन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप क्या करिए, 2 को
लाइक ऐसा L1 L2 को ऑपरेट करिए और L2 L1 को ऑपरेट करिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, L1 L2 कर रहे हैं, क्या L2 L1 के इक्वल आएगा, L2 L1 के इक्वल आएगा। तो देखिए हम करके देख लेते हैं यहाँ पर, लाइक ये क्या है मेरे पास, इक्वलिटल ट्रायंगल है ये ए बी सी। अब मैं अगर L1 L1 मैंने इसे लिया था, L1 के लाइक L1 L2 होता क्या है, होता है कंपोजिशन पहली चीज़। तो इसका मतलब पहले L2 के रेसिपी पे करेंगे फिर L1 के रेसिपी पे करेंगे। तो पहले L1 के रेसिपी पे लाइक L2 के रेसिपी पे मुझे करना होगा। तो यहाँ कैले टेबल मैं नहीं बना रहा हूँ फ्रेंड, मैंने एक बार बना दी है तो आप बना सकते हैं, वो चीज़ तो सिंपल है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये मेरे पास L2, तो पहले मैं L2 के रेसिपी पे करूँगा तो इंटरचेंज होगा मेरे पास। तो लाइक ये मेरे पास आएगा ए B एंड C, ये L2 के रेस्पेक्ट में मैंने किया, पहले L2 के रेस्पेक्ट में किया। अब मैं इसे L1 के रेस्पेक्ट में करूँगा, तो L1 के रेस्पेक्ट में करूँगा तो लाइक मेरे पास ये L1 थी, L1 के रेस्पेक्ट में करूँगा तो C और A इंटरचेंज हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आएगा लाइक कुछ ऐसा आएगा। मेरे पास क्या आया, L1 के रेस्पेक्ट में करूँगा तो मेरे पास A और C इंटरचेंज हो जाएंगे, तो मेरे पास C यहाँ आएगा, A यहाँ आएगा और B यहाँ आएगा। तो ये आ गया फ्रेंड। अब अगर मैं L2 L1 करता हूँ, अगर मेरे पास ये आता है तो देखते हैं, अगर देखिए कोई भी प्रॉपर्टी फेल कर जाए, मान लीजिए यहाँ पर मिल जाए, मतलब यहाँ देखते हैं अगर इक्वल हो जाता है तो और कहीं भी शायद फेल कर जाए। अगर एक भी जगह फेल कर गया ना, वो सारे एलिमेंट के लिए होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। अगर एक भी एलिमेंट के लिए फेल कर गया तो हम लोग बोलेंगे कि क्या होगा, वो अबेलियन नहीं होगा फ्रेंड। तो बस मुझे अब क्या करना है, L2 L1 चेक करना है। तो L2 L1 चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, L2 L1 चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब तो पहले मैं L1 के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट करूँगा, लाइक ये मेरे पास ए बी सी है, ए बी सी है, L1 के रेस्पेक्ट में करूँगा क्योंकि मुझे L2 L1 फाइंड करना है। तो L1 के रेस्पेक्ट में पहले करूँगा f ऑफ g ऑफ x, तो पहले g ऑफ x करते हैं। L1 के रेस्पेक्ट में करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, लाइक ये मेरे पास L1 है, इसके रेस्पेक्ट करूँगा b एंड c इंटरचेंज होगा, तो C यहाँ होगा B यहाँ होगा। फिर इसी तरह अगर मैं L2 के रेस्पेक्ट में करूँगा, L2 मेरे पास क्या होती है, ये होती है, सॉरी यहाँ मैंने L2 ले लिया है तो अब यहाँ पर भी मैं L2 ही लूँगा। कुछ किसी को भी आप लाइन ले सकते हैं, किसी भी लाइन को आप L2 L3 बना सकते हैं, वो तो मैंने अपने मन से बनाया है। तो वहाँ पर ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि वहाँ मैंने L3 बनाया था इसको यहाँ आप L2 कर ले रहे हो, तो किसी के भी रेस्पेक्ट में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो L2 अब जब यहाँ पर मैंने L2 ले रखा है तो अब मैं इसको L2 लूँगा, तो यहाँ पर भी L2 ही लूँगा। तो ये L2 है मेरे पास, अब इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इंटरचेंज करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, लाइक बी होगा, ए होगा, सी होगा। तो आप देख सकते हैं क्या ये सिमिलर है, पोजीशन क्या सिमिलर है यहाँ पर। तो आप देखेंगे ये मेरे पास ए है, यहाँ मेरे पास ए है, ये मेरे पास सी है, यहाँ मेरे पास सी है, यहाँ बी है। तो आप देखेंगे जब कैली टेबल बनाएंगे तो सबको ऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, तो ये कोई ना कोई एलिमेंट के इक्वल आ रहा होगा, किसी ना किसी एलिमेंट्स के इक्वल ही आ रहा होगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, तो इसमें कुछ मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्वल नहीं आया फ्रेंड, तो L1 L2 does not equals to L2 L1, तो ये मेरे पास क्या होगा, अबेलियन नहीं होगा, ये मेरे पास क्या होगा, अबेलियन नहीं होगा। तो D3 मेरे पास क्या होगा, अबेलियन नहीं होगा, और साइक्लिक होगा नहीं क्योंकि उसके पास सिक्स ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं है। तो यार बस डेफिनेशन जो जानते हो बस उसी से हमको सब कुछ करना है, कि साइक्लिक होने के लिए एक उस ग्रुप के ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, केवल एक ही कर जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हम उसे साइक्लिक बोल सकते हैं। तो साइक्लिक के लिए क्या होगा, एक एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर जाता है तो हम बोलते हैं वो साइक्लिक होगा। लेकिन D3 में क्या है, सिक्स ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं है तो साइक्लिक नहीं होगा। अब एलिमेंट मैंने यहाँ से दिखा दिया, तो D3 क्या होता है, नॉन अबेलियन, अबेलियन नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, तो ना ही ये साइक्लिक होता है और ना ही अबेलियन होता है फ्रेंड। अब इसके मैं प्रॉपर सब ग्रुप की बात मैंने की थी, तो इसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप, मतलब प्रॉपर सब ग्रुप क्या आ रहे थे, इसके साइक्लिक एंड अबेलियन थे। ये देखिए ये खुद में तो नॉन अबेलियन नॉन साइक्लिक है, लेकिन इसके प्रॉपर सब ग्रुप क्या आ रहे थे, सारे क्या आ रहे थे, साइक्लिक आ रहे थे। साइक्लिक होंगे तो अबेलियन होंगे, तो ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ D3 आर साइक्लिक, साइक्लिक बोल दिया तो अबेलियन भी होगा, तो मैं अबेलियन नहीं दिखाना साइक्लिक, बट D3 itself non-cyclic, itself non-cyclic, non-abelian, non-cyclic and non-abelian,
तो यहाँ पर मेरे पास D3 क्या है, itself non cyclic non abelian है, लेकिन इसके सारे proper subgroup क्या है, मेरे पास क्या है, cyclic होंगे इसके सारे proper subgroup। तो पहली चीज ये हो गई friend। तो order कितना होता है, 6 होता है, इसको order कितना होता है, 6 होता है मेरे पास। तो ये मेरे पास मैंने D3 का थोड़ा ऐसा बताया, लाइक स्ट्रक्चर बताया कि D3 में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, किस किस ऑर्डर के होंगे, सब ग्रुप क्या होंगे उसके, वो कैसा होगा, अबेलियन होगा कि नहीं होगा, साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, उसके प्रॉपर सब ग्रुप सारे क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, और वो अपने आप में क्या है, खुद नॉन अबेलियन नॉन साइक्लिक है। तो यहाँ पर मैंने D3 के बारे में आपसे डिस्कस किया। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ DN। बेसिकली DN को हम लोग बोलते क्या है, डाइहेड्रल ग्रुप। तो अभी हमने पिछले लेक्चर्स में D4 के बारे में डिस्कस किया था, D3 के बारे में डिस्कस किया था। अब मैं यहाँ पर ओवरऑल DN की बात करूंगा, लाइक एंड रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब ये क्या होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ DN। तो DN की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, बेसिकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन भी बोलते हैं, एनसाइडेड पॉलीगॉन। तो बेसिकली अब मैं इसके बात करूंगा DN के बारे में, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ DN इज 2n। तो DN का ऑर्डर क्या होता है, मेरे पास 2n होता है। जैसे कि हमने D3 में डिस्कस किया था, 3 रिफ्लेक्शन थे, 3 रोटेशन थे। D4 भी मेरे पास क्या थे, 4 रोटेशन थे, 4 रिफ्लेक्शन थे। तो यहां पर भी सेम यही होगा लॉजिक, अब कि DN अगर मैं लिखूंगा तो n रिफ्लेक्शन एंड n रोटेशन, एंड रोटेशन एंड एंड रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या होंगे फ्रेंड, कि DN की बात करूंगा, ऑर्डर क्या है 2n, तो इसमें क्या होता है, हाफ रोटेशन एंड हाफ रोटेशन होगा एंड हाफ रिफ्लेक्शन, हाफ रिफ्लेक्शन। तो मेरे पास क्या होगा, हाफ रोटेशन होगा एंड हाफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब क्या है इसका, कि n रोटेशन होंगे मेरे पास एंड n रिफ्लेक्शन होंगे मेरे पास। तो कभी भी DN का कुछ भी मैं लूंगा, उसमें क्या होगा, n रोटेशन होंगे एंड रिफ्लेक्शन होंगे मेरे पास। तो DN का ऑर्डर मेरे पास 2n होगा, उसमें हाफ रोटेशन होगा, हाफ रिफ्लेक्शन होगा। अब जो रोटेशन होगा बेसिकली, अब हम लोग एक ऐसा लेट करते हैं, लेट, और ये जो पॉइंट अब मैं यहाँ पर लिखाऊंगा ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि मतलब आप DN को कुछ भी करना है ना, DN के कुछ भी कैसा भी ग्रुप हो, तो आप बस ये चीज याद रखें कि जो मैं आज अब यहाँ पर बताऊंगा इस लेक्चर में, तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है DN अगर आपको अच्छे से आना है तो, अगर आपको DN में परफेक्शन लानी है तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो लेट मैं क्या करूंगा, अल्फा इज इनिशियल रोटेशन, इनिशियल रोटेशन। देखिए इनिशियल रोटेशन मैंने ये बोला है, पहले हमें क्या देखना होता है, कि जो सिमेट्री है मेरे पास, कोई डायहेड्रल ग्रुप होगा उसकी सिमेट्री, फर्स्ट इनिशियल एंगल देखते हैं। जैसे कि हमने D4 में क्या देखा था, कि आप 90 डिग्री पे उसको रोटेट कर दोगे तो सेम उसकी सिमेट्री सेम रहेगी। D3 में क्या देखा था, आप 120 डिग्री पर आप उसको रोटेट करोगे तो उसकी सिमेट्री सेम रहेगी। तो फर्स्ट मुझे क्या देखना होता है, एंगल देखना होता है। अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो, मैं अगर रोटेशन की बात करूंगा तो मुझे फर्स्ट क्या देखना होता है, एंगल देखना होता है। तो वो फर्स्ट एंगल कहां से आएगा, तो मैं वो अल्फा ले रहा हूं यहां पर, और वो आएगा कहां से, आप क्या करिए, अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास होगा क्या, 360 डिग्री अपॉन एन। आपको क्या करना होगा, एन साइडेड पॉलीगॉन होगा मेरे पास, एन साइडेड पॉलीगॉन होगा मेरे पास, आप क्या करिए 360 डिग्री, क्योंकि पूरा रोटेशन क्या होता है मेरे पास, 360 होता है। लाइक पूरा रोटेशन अगर मैं दिखाऊंगा तो मेरे पास क्या होता है, 360 होता है। तो इसमें जितनी n साइडेड होंगी ना, जितनी भी n साइडेड होंगी, आप डिवाइड कर दीजिए उसमें 360 बाई n। तो मेरे पास फर्स्ट इनिशियली लाइक इनिशियल रोटेशन आ जाएगा, मेरे पास इनिशियल रोटेशन आ जाएगा। कि आप देखिए, जैसे मैंने D3 लिया था तो आप 360 बाई 3 करेंगे तो मेरे पास क्या आया, 120 आया। तो आपको यहां से ये समझ में आया कि फर्स्ट इनिशियल, मतलब मेरे पास जो इनिशियल रोटेशन होगी वो क्या होगी, R120 होगी। R0 के बाद मैंने R120 लिखा था। और इसी तरह अगर मैं 4 की बात करता हूं, D4 की बात करता हूं, तो मेरे पास क्या होगा, 360 बाई 4। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या है, कि 90 डिग्री इसका फर्स्ट रोटेशन क्या होगा, 90 डिग्री होगा D4 का, D3 का ये होगा। अगर मैं इसी तरह D5 की बात करूंगा तो आप क्या करेंगे, 360 बाई 5 करेंगे। तो फर्स्ट रोटेशन इसका आ जाएगा 5 7 35 1 5 2 10, तो 72 डिग्री आ जाएगा इसके पास। तो भाई मेरे बस यही करना है, मुझे फर्स्ट रोटेशन देखना है, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा इज इक्वल टू 360 बाई एन, और एन साइडेड है उसके, एन क्या है,
साइड है मेरे पास रेगुलर पॉलीगॉन पे। तो ये मेरे पास क्या हुआ, इनिशियल रोटेशन हुआ फ्रेंड। तो इनिशियल रोटेशन ऐसे हम लोग निकालेंगे कभी भी, किसी का भी निकालना है तो 360 बाई एन हो जाएगा मेरे पास। तो एन रिफ्लेक्शन रहेंगी, एन रोटेशन रहेंगी मेरे पास, ये चीज पहले क्लियर हुई। फिर मेरे पास जो रोटेशन का पहला जो एंगल होगा ना, इनिशियल एंगल होगा, वो क्या होगा मेरे पास 360 बाई एन होगा। अब मुझे क्या करना है, एंड बीटा यहां पर क्या होगा, एंड बीटा जो होगा, बीटा इज एनी रिफ्लेक्शन। अभी मैं सारे इसके एलिमेंट लिखूंगा क्योंकि मैं dn लिखूंगा, मैं dn दिखाऊंगा आपको, तो सारे एलिमेंट किस टाइप के होंगे मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको। बीटा इज एनी रिफ्लेक्शन, बीटा मेरे पास कोई रिफ्लेक्शन है, और अल्फा मेरे पास कोई रोटेशन है। अल्फा क्या है, रोटेशन है, वो इनिशियली है, इनिशियली, क्योंकि जो रोटेशन का बनता है ना सब ग्रुप, वो बेसिकली होता क्या है, साइक्लिक होता है। जो रोटेशन से बनता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो इसलिए मैं यहां पर एक एक ही एलिमेंट अगर दिखा दूं, एक एलिमेंट दिखा दूं, तो एक एलिमेंट से जनरेट हो जाता है बेसिकली। रोटेशन अगर मैं जनरेट करूंगा तो एक ही एलिमेंट से मेरे पास जनरेट हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। चलिए ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड बात है, आगे समझते हैं हम सारी चीजें। तो बीटा इज एनी रिफ्लेक्शन, और अल्फा मेरे पास क्या है, इनिशियली रोटेशन है मेरे पास। तो अब जो डीएन मेरे पास बनता है ना बेसिकली, उसके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, देखिए मैं सारी चीजें लिंक करूंगा पहले से। डीएन जो मेरे पास एलिमेंट होते हैं किस टाइप के होंगे, अब ये यहां से याद रखेंगे, डीएन के जो एलिमेंट होंगे एन रोटेशन होंगे, एन रिफ्लेक्शन होंगे। तो आप देखेंगे यहां पर अल्फा, पहला फर्स्ट एलिमेंट अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर। मैं यहां पर क्या करूंगा कि फर्स्ट इनिशियल एलिमेंट मैंने अल्फा लिया है, अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब होगा, फिर अल्फा की पावर 4 होगा, एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे, अल्फा की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां पर मेरे पास n रोटेशन आ जाएंगी, मतलब अल्फा मैं ये क्या ले रहा हूं, एक बेसिकली वो इसका जनरेटर ले रहा हूं अल्फा, यहां पर मैं, तो ये सब कुछ जनरेट कर देगा। तो मेरे पास क्या लिखा मैंने, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4, एंड सो ऑन, अल्फा की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब मेरे पास क्या आएंगे सारे, अब मेरे पास रिफ्लेक्शन आएंगे लाइक बीटा, फिर मेरे पास क्या करना है, अल्फा से उसको बीटा ऑपरेट करना है तो अल्फा बीटा, फिर इसी तरह अल्फा स्क्वायर से ऑपरेट कर दो बीटा पे, तो मेरे पास आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, एंड सो ऑन, अल्फा की पावर एन माइनस वन बीटा। तो ये मेरे पास डीएन आएगा यार, ये मेरे पास जनरल आया, लाइक डाइहेड्रल ग्रुप को मैं जनरली लिखूंगा कैसे, ऐसे ही लिखूंगा। अब वो फिर डी फोर हो, डी फाइव हो, डी सिक्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मुझे ऐसे ही फॉर्म में लिखना है। बस पहली चीज तो मुझे ये पता चली कि डी फोर हो, डी फाइव, डी सिक्स, डी सेवन, कुछ भी दिया गया हो, मुझे इस फॉर्म में लिखना है। तो n हम लिखेंगे कैसे, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पावर 4, एंड सो ऑन, अल्फा की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, एंड सो ऑन, अल्फा की पावर n माइनस 1 बीटा। ये मेरे पास क्या होंगे, ये मेरे पास रोटेशन होंगे, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रोटेशन है, एंड ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। तो मेरे पास n रोटेशन होंगे, एंड n मेरे पास क्या होंगे, रिफ्लेक्शन होंगे फ्रेंड। तो मेरे पास n रोटेशन आ गए, n रिफ्लेक्शन आ गए। तो अब देखिए यहां पर dn मेरे पास ऐसे बनेगा। अब हम देखेंगे dn केवल दो एलिमेंट से बनता है। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो dn मेरे पास दो एलिमेंट से बनता है। अगर एक एलिमेंट से बनता होता तो हम क्या कहते हैं, भाई ये साइक्लिक होता। अगर मेरे पास dn एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होता तो ये साइक्लिक बनता, लेकिन ये दो एलिमेंट से जनरेट होता। और आगे मैं आगे भी बात करूंगा, जब मैं SN पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बात करूंगा कि SN भी लाइक कितने एलिमेंट से जनरेट होता है, तो वो मैं साइकिल से वो बाद में बात करूंगा आपसे। अभी लेकिन यहां देखते हैं, DN केवल दो एलिमेंट से जनरेट होता है। एलिमेंट बोल दूं या ऐसे हम लोग इसको दिखा सकते हैं, DN जो है मेरे पास वो अल्फा और बीटा ओनली टू एलिमेंट से जनरेट होता है, लाइक एक रोटेशन और एक रिफ्लेक्शन। रोटेशन दे दो आप, रिफ्लेक्शन दे दो, मैं पूरा डीएन जनरेट कर दूंगा। जनरेट करना मतलब इसके सारे एलिमेंट मिल जाएंगे मुझे, बस आप दो एलिमेंट दे दो, आप मुझे बस दो एलिमेंट दे दो। आप साइक्लिक के लिए क्या बोलते हैं कि आप मुझे एक एलिमेंट दे दो, मैं सबको जनरेट कर दूंगा। एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है मुझे जो सबको जनरेट कर देता है, तो वो साइक्लिक के लिए होता है। लेकिन यहां पर क्या है, नॉन साइक्लिक है, तो एक एलिमेंट तो जनरेट कर नहीं पाएगा। तो यहां पर केवल दो एलिमेंट चाहिए डीएन को जनरेट करने के लिए, केवल दो एलिमेंट चाहिए। तो ये आगे में जब वेक्टर स्पेस वगैरह अगर आपको पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर काफी अच्छे से डिस्कस करूंगा कि उसको जनरेट करने के लिए कितने वेक्टर चाहिए। तो बस यहां पर बेसिकली यही फंडा है कि मुझे दो एलिमेंट चाहिए डीएन को जनरेट करने के लिए। और बेसिकली वो होंगे क्या, रोटेशन एक जो होनी चाहिए मेरे पास, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। मतलब ये जो रोटेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्या मेरे पास, उसका ऑर्डर एन होना चाहिए, मतलब रोटेशन को जनरेट कर देगा। और ये जो बीटा होगा, जो बीटा होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए मेरे पास। जो बीटा होना चाहिए वो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए मेरे पास। और फिर मेरे पास एक इसके एक मेरे पास रिलेशन ऐसा होगा, बीटा और अल्फा में रिलेशन ऐसा होना चाहिए, बीटा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स बीटा।
ये रिलेशन होना चाहिए। तो बस तीन चीजें यार होगी ना मेरे पास तो काम बन जाएगा मेरा, डीएन मेरे से जनरेट हो जाएगा। तो आगे भी हम जब क्वेश्चन होंगे तो बेसिकली इसी से हम लोग देखते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो डीएन मेरे से किन एलिमेंट से जनरेट होता है, केवल दो एलिमेंट से, एक रोटेशन से एक रिफ्लेक्शन। जो रोटेशन ले रहे हैं क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर एन होना चाहिए और रिफ्लेक्शन का ऑर्डर टू होना चाहिए। और ये मेरे पास रिलेशन होना चाहिए। लाइक इसको अगर मैं जनरलाइज दिखाऊंगा रिलेशन तो ऐसा भी होता है, बीटा अल्फा की पावर के करूंगा तो मेरे पास आएगा भाई इसका इनवर्स, इसका इनवर्स। और अभी आगे मैं बात करूंगा कि इसका इनवर्स क्या होता है अल्फा की पावर के, अल्फा की पावर एन माइनस के होता है। तो बस ये दो रिलेशन होने चाहिए मेरे पास, ये दो रिलेशन होने चाहिए और मेरे पास ये ऐसा दो एलिमेंट होने चाहिए, वो जो एलिमेंट हो वो इस टाइप के होने चाहिए। बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। डीएन में मुझे आप इतना दे दो, मैं सारा डीएन जनरेट कर दूंगा। तो ये दो एलिमेंट से जनरेट होता है। तो कभी भी क्वेश्चन में होगा डीएन कितने एलिमेंट जनरेट होता है, ओनली टू एलिमेंट्स है, अल्फा एंड बीटा। और ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका एन होना चाहिए, रोटेशन का ऑर्डर क्या होना चाहिए एन होना चाहिए, रिफ्लेक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए टू होना चाहिए। तो ये मेरे पास डीएन की चीज आ गई, मतलब डीएन आ गया मेरे पास। अब मुझे यहां पर क्या देखना है फ्रेंड, कि अगर मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू देखूं, डीएन में टू ऑर्डर के एलिमेंट देखूं। अब मैं यहां पर बात करूंगा कि डीएन में टू ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ। तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, आपको डीएन अगर सीखना है तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डीएन में क्या होगा, मुझे टू ऑर्डर के अगर एलिमेंट देखने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू इन डीएन। तो अब देखिए मेरे पास टू ऑर्डर के एलिमेंट क्या होंगे। अब आप देखिए, अगर मैं यहां पर n इज इवन रखूंगा, n इवन रखूंगा, इफ n इज इवन, अगर मेरे पास n इवन होगा तो आप देख सकते हैं d4 में क्या था, रिफ्लेक्शन, फोर रिफ्लेक्शन आई थी, उनका ऑर्डर क्या था फोर था, उनका ऑर्डर क्या था फोर था, और एक बीच में R180 का भी ऑर्डर टू आ रहा था। तो इसमें कितने बन रहे थे मेरे पास, फाइव बन रहे थे मेरे पास। टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट बन रहे थे, फाइव बन रहे थे। अगर मैं इसी तरह अगर D6 की बात करूंगा ना, अगर मैं D6 की बात करूंगा तो 6 मेरे पास रिफ्लेक्शन टू ऑर्डर के होंगे। देखिए D6 की अगर मैं बात करूंगा, आप काफी आगे डिस्कस करूंगा मैं इस चीज के बारे में, D6 की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास 6 रोटेशन 6 रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन होंगे उनका ऑर्डर 2 होगा। तो 6 तो मिल ही गए मेरे पास एलिमेंट, 2 ऑर्डर के मेरे पास 6 एलिमेंट तो मिल गए। और यहां पर एक बीच में भी मिलेगा, एक रोटेशन में भी 2 ऑर्डर के मिलेगा मेरे पास अगर n इवन है तो यहां पर कितने होंगे 6 + 1 = 7, और ऑर्डर क्या था डीएन लाइक एन क्या था मेरे पास 6 था, तो मेरे पास कितने मिले 7 मिले। तो यहां से मुझे एक चीज पता चलेगी कि अगर मेरे पास इवन होगा डीएन, मेरे पास अगर इवन एन इवन होगा तो हमेशा क्या मिलेंगे n+1 मिलेंगे, n+1 मिलेंगे मेरे पास इफ एन इज इवन। और एन ऑड होगा तो मेरे पास क्या होगा, ये काफी अच्छे से पता चलेगी हमें सारी बातें, मेरे पास एन ही होगा। अगर हमारे पास इनको याद रखने का भी जरूरी नहीं है, हम अभी स्ट्रक्चर जब बनाते रहेंगे ना तो आप अपने आप ही माइंड में उस चीज को रख लोगे। आप जब प्रैक्टिस करोगे उस डीएन में एकदम परफेक्ट हो जाओगे तो आपके माइंड में ही वो चीजें एकदम चलेंगी कि हाँ इतना ये ऐसा होगा ये ऐसा होगा। इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बेसिक सा मैं बता रहा हूँ कि एन इवन होगा, जैसे D6 लिया था तो 6 रिफ्लेक्शन आ गए, 6 रिफ्लेक्शन आ गए, और एक बीच में भी यहाँ मिलेगा वो भी 2 ऑर्डर का मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास कितने 7 होंगे। अगर मैं 8 की बात करूंगा तो 8 रिफ्लेक्शन होगा और एक और बीच में मिलेगा। अगर मैं D7 की बात कर लूँ लाइक ऑड की, एन इसको क्या है मेरे पास ऑड है, D7 की बात करूंगा तो ओनली 7 रिफ्लेक्शन मिलेगी, इधर आपको 2 ऑर्डर का कभी नहीं मिलेगा। तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन डीएन क्या होगा, अगर n इवन होगी तो n+1 होगा, n ऑड होगी तो n होगा। तो यार अगर पीछे लेक्चर मेरे देखते चले आएंगे ना आप, तो आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये मेरे पास 2 ऑर्डर का हो गया, 2 ऑर्डर के एलिमेंट हो गए मेरे पास। और वो होंगे क्या-क्या, वो होंगे कौन-कौन से एलिमेंट वो देख लेता हूं यहां पर मैं। मैंने बताया यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट बताया, अब वो एलिमेंट होंगे क्या-क्या। तो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू, टू ऑर्डर के एलिमेंट्स वो होंगे कौन कौन से वो मुझे देखने हैं। तो देखिए बेसिकली इफ एन इज इवन, एन इज इवन, अगर मेरे पास एन इवन होगा तो कौन से एलिमेंट होंगे मेरे पास, इफ एन इज ऑड तो मेरे पास कौन से होंगे। अब देखिए अगर n इवन होगा तो सबसे पहले सारी रिफ्लेक्शन आएंगी, इसका मतलब क्या है n अगर मेरे पास ये इवन होगा तो रिफ्लेक्शन का तो ऑर्डर होगा ही भाई 2, तो इसका मतलब ये सारी आ जाएंगी पहले। तो मेरे पास क्या आएंगी, बीटा अल्फा बीटा
अल्फा स्क्वायर बीटा एंड सो ऑन, अल्फा की पावर एन माइनस वन बीटा। और आप देखेंगे यहां पर ये मेरे पास क्या होंगे, सारे टू ऑर्डर के होंगे अगर मेरे पास एन इवन है। और यहां पर देखेंगे आप जैसे ये मेरे पास अगर एन इवन है ना, एन इवन है तो एक बीच में भी मिल जाएगा आपको, एन बाई टू में भी यहां मिल जाएगा, वो टू ऑर्डर का होगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर मैंने जैसे n इसको 4 रखा तो अल्फा स्क्वायर मिलेगा मुझे 2 ऑर्डर का, n इसको 6 रखा अल्फा क्यूब मिलेगा मुझे 2 ऑर्डर का, अल्फा n इसको 8 रखा तो अल्फा 4 मिलेगा मुझे 2 ऑर्डर का। तो यहां पर पक्का क्या हो रहा है, यहां आप 8 रख रहे हो तो 4 पे मिलेगा, 10 रखोगे तो 5 पे मिलेगा, तो कहां मिलेगा, n बाई 2 पे मिलेगा, अल्फा की पावर n बाई 2 पे मिलेगा, वो 2 ऑर्डर का होगा। तो आगे हम काफी अच्छे डिस्कस करेंगे, तो वो क्या मिलेगा मेरे पास, अल्फा की पावर n बाई 2 मिलेगा एलिमेंट। तो ये मैंने एलिमेंट्स दिखाए जो 2 ऑर्डर के होंगे, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन डीएन, इन डीएन। तो डीएन में 2 ऑर्डर के मैंने यहां पर एलिमेंट्स दिखाए। अगर मेरे पास एन ऑड होगा तो आप देख सकते हैं, अगर मेरे पास एन ऑड होगा ना तो यहां पर कुछ ऑड नंबर आएगा, यहां पर कुछ ये मेरे पास ऑड नंबर आएगा और ऑड नंबर आएगा। और देखिए अगर मेरे पास एन ऑड होगा, एन मेरे पास क्या है, ऑड है, If n is odd, अगर n मेरे पास odd है तो ये देखिए इसमें n जो reflection होगी वो तो मिलेगी ही मेरे पास two order की, तो n मेरे पास सारी क्या होंगी, reflection होगी, ये तो मेरे पास मिलेंगे ही मिलेगी हमेशा, n odd हो चाहे even हो तो ये हमेशा two order की मिलेंगे ही मिलेंगी। तो ये तो मैं दिखा देता हूँ, बीटा अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा एंड सो ऑन अल्फा की पावर n माइनस वन बीटा। अब देखिए क्या यहाँ से मिलेगा मुझे टू ऑर्डर का, अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड है और अभी मैंने बोला है कि ये अपने आप में एक सब ग्रुप बनाता है, सब ग्रुप बनाता है तो इसका मतलब है अगर टू ऑर्डर का मिलेगा तो इसको डिवाइड करना चाहिए, एन को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर ये ऑड हो गया तो क्या टू कभी डिवाइड करेगा उसको, कभी नहीं करेगा, तो यहाँ पर टू ऑर्डर का यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। अगर ऑड होगा तो यहाँ पर कभी टू ऑर्डर का मिलेगा ही नहीं, तो टू ऑर्डर के कहाँ मिले मेरे पास एलिमेंट, केवल इसमें मिले, ओनली रिफ्लेक्शन में मिले मुझे। तो यहाँ पर क्या होंगे, केवल इतने एलिमेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं एन ऑड होगा तो मेरे पास एन एलिमेंट आएंगे, और अगर एन इवन होगा मेरे पास तो एन प्लस वन एलिमेंट आएंगे। तो यार देखो कुछ नहीं है, याद कुछ नहीं करना है, याद कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस में बैठा लोगे ना माइंड में सेट हो जाएगा एकदम ये माइंड में सेट हो जाएगा। तो टू ऑर्डर के मैंने यहां पर एलिमेंट बताए कि डीएन में टू ऑर्डर के एलिमेंट अगर एन इवन है तो पक्का है कि रिफ्लेक्शन से एन आएगा और एक यहां बीच से आएगा, अल्फा की पावर एन बाई टू से आएगा, मतलब क्या है एन प्लस वन आएंगे। और अगर मेरे पास एन ऑड है तो रिफ्लेक्शन से ही आएगा मेरे पास, वो भी एन होगा। तो यहां पर ये मैंने ऐसा दिखाया फ्रेंड। अब आगे यहां पर बात करता हूं कि तो नेक्स्ट अब मैं यहां पर बात करूंगा कि यहां पर मैंने टू ऑर्डर की बात करी, तो भाई टू ऑर्डर का आपने बात तो कर ली, और जो एलिमेंट होंगे उनकी क्या बात करते हैं। आपने मुझे टू ऑर्डर का बताया कि टू ऑर्डर के जो एलिमेंट होंगे वो इस टाइप के होंगे, और भी ऑर्डर के एलिमेंट होंगे तो वो किस टाइप के होंगे, हम यहां पर अब वो डिस्कस कर लेते हैं। लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के विच इज नॉट इक्वल टू टू। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो टू ऑर्डर के नहीं होंगे मैं उनके बारे में बात करूंगा, थ्री का होगा, फोर का होगा, फाइव का होगा, सिक्स होगा, डीएन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सारे की बात कर रहा हूँ। देखिए भाई मैं कोई चीज़ स्किप नहीं कर रहा हूँ और नहीं करूँगा, मैंने जैसा कि बताया था। तो यहाँ पर मैंने पहले टू ऑर्डर की बात करी, फिर अब मैं बात करूंगा यहाँ पर जो टू ऑर्डर के नहीं है उनकी बात करूंगा। तो के डज नॉट इक्वल टू टू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के डज नॉट इक्वल टू टू इन डीएन, इन डीएन। अब आप देखेंगे यहां पर कि मुझे क्या करना है, डीएन में टू ऑर्डर के जो एलिमेंट नहीं होंगे उनकी बात करनी है। तो टू ऑर्डर के अगर एलिमेंट नहीं होंगे, पहली चीज तो आप ये समझिए मेरे पास डीएन में क्या होता है, डीएन के मैं लिख देता हूं, लाइक डीएन को, डीएन में मेरे पास कैसे टाइप के एलिमेंट होते हैं, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन, अल्फा की पावर n इसको सो आइडेंटिटी। अब ऐसे ही हम लिखेंगे बीटा अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा की पावर क्यूब बीटा एंड सो ऑन अल्फा की पावर एन माइनस वन बीटा, ऐसे ही हम लोग डीएन को लिखते हैं। अब आप देखिए ये रिफ्लेक्शन कितने ऑर्डर के हैं मेरे पास, ये टू ऑर्डर के हैं। देखिए अब सारी चीजें एकदम इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी, बस आप बनाते चले जाइए, आप उस चीज को फॉलो करिए, बस जैसा मैंने पीछे बताया है आपको उसको फॉलो करेंगे तो सारी चीजें इजी होती चली आएंगी। और आप प्रैक्टिस करिए इन चीज पर, इन चीज पर आप प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो ये सारे क्या होंगे, टू ऑर्डर पे होंगे। अब देखिए मुझे क्या करना है, टू ऑर्डर का नहीं देखना है, आइडेंटिटी तो यहां पर है, आइडेंटिटी तो मेरे पास ये है। तो टू ऑर्डर का अगर मुझे नहीं देखना है तो सीधी सी बात है रिफ्लेक्शन में कभी टू ऑर्डर का नहीं मिलेगा,
सॉरी यहां पर मैंने क्या बोला है k does not equals to 2, इसका मतलब क्या है कि 2 ऑर्डर से अगर मुझे और अलग कुछ भी चाहिए, 3 ऑर्डर का चाहिए या 4 ऑर्डर का चाहिए, तो कभी भी रिफ्लेक्शन में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमेशा 2 ऑर्डर का होता है। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि इन एलिमेंट से मैं कभी भी मुझे 2 ऑर्डर का नहीं मिलने वाला, सॉरी 2 से अलग ऑर्डर का नहीं मिलने वाला है एलिमेंट, इन एलिमेंट्स में 2 से अलग ऑर्डर का मुझे एलिमेंट कभी नहीं मिलेगा। पहली चीज तो ये फिक्स हो गई, क्योंकि ये सारे क्या है, 2 ऑर्डर के हैं। अगर मैं यहां बात करूंगा 2 से अलग ऑर्डर की बात करूंगा, तो वो कहां मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे। ये चीज आप समझ गए होंगे कि 2 से अलग ऑर्डर की अगर मैं बात करूंगा तो वो कहां मिलेंगे मुझे, रोटेशन में मिलेंगे। तो आप देखेंगे यहां मिलेंगे मुझे 2 ऑर्डर से अलग, 2 ऑर्डर से अलग एलिमेंट, अलग एलिमेंट्स भाई 2 ऑर्डर का भी मिलेगा। अगर इवन होगा तो यहाँ 2 ऑर्डर का भी मिलेगा, लेकिन 2 ऑर्डर के अलग जो एलिमेंट होंगे, 2 ऑर्डर से अलग होंगे, वो यहीं पर ही मिलेंगे, वहां नहीं मिल सकते, क्योंकि वहां सारे क्या है, 2 ऑर्डर के हैं। तो ये चीज फिक्स हो गए। अच्छा अब देखिए, यहां अगर मेरे पास मिलते हैं तो अपने आप में ही ये अगर देखा जाए तो यार ZN के आइसोमॉर्फिक होता है, ये मेरे पास क्या होता है, ZN के आइसोमॉर्फिक होता है। मैं इसको ZN के आइसोमॉर्फिक क्यों बोल रहा हूं, मैंने आपको सबरूप में दिखाया था, D3 में मैंने क्या किया था, सारे रोटेशन का एक सबरूप बनाया था, वो Z3 का आइसोमॉर्फिक था। इसी तरह यहां पर मैंने D4 में क्या किया था, 4 ऑर्डर का एक सबरूप बनाया था रोटेशन से लेकर, वो Z4 का आइसोमॉर्फिक था। तो भाई DN में भी सेम यही लॉजिक है, लाइक DN का ही ये लॉजिक है कि ये सारी रोटेशन ले लो, आप सारी रोटेशन जैसे ही लोगे ना, वो ZN के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, वो ZN के आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये सारे क्या होंगे, ZN के आइसोमॉर्फिक होंगे। क्यों मैं ZN की बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें से एक ऐसा रोटेशन मिल जाएगा जो सबको जनरेट कर देगा, जो सबको जनरेट कर देगा। तो भाई ये ZN के आइसोमॉर्फिक हो गया, ये जैसे ही ZN का आइसोमॉर्फिक हुआ तो अब हमको क्या देखना है, 2 ऑर्डर से अलग एलिमेंट देखने हैं, 2 ऑर्डर से अलग एलिमेंट देखने हैं, वो इसमें आएगा। तो भाई ये ZN हो गया। अब ZN में मैं किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे चेक करता हूँ, phi n, लाइक मैं अगर बोल रहा हूँ 3 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे इसके पास, अगर मैं बोलूँ आपसे 3 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, तो आप इसमें देखेंगे, और ये मेरे पास साइक्लिक है तो कितने होंगे, phi 3 कर दो आप, phi 3, अगर मुझे 3 ऑर्डर के देखने होते हैं phi 3 बोलते हैं, k ऑर्डर के देखने होते हैं तो phi k करते हैं, phi k एलिमेंट, क्योंकि ये साइक्लिक है, मैं इसलिए यहां पर कर रहा हूं फ्रेंड। तो मेरे पास क्या होंगे, अगर मुझे 2 से अलग कुछ भी देखना होगा, k ऑर्डर का मुझे देखना है, तो मैं क्या करूंगा, phi k निकालूंगा उसका। अगर k डिवाइड करेगा n को तब, k अगर n को डिवाइड करेगा तब ऐसा बोल सकता हूं, अगर डिवाइड ही नहीं करेगा तो एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये पहली बात, तो k जो मैं k ऑर्डर का एलिमेंट चाहता हूं, k यहां पर कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो k ऑर्डर का अगर मुझे एलिमेंट चाहिए तो पहली बात तो n को डिवाइड करना चाहिए, n को डिवाइड नहीं करेगा तब तो नहीं मिलने वाला है, अगर डिवाइड करेगा तो phi k मिलेगा। तो यहां से ये चीज फिक्स हो जाती है। तो यार जैसा ऐसा चलते जाएंगे सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। तो इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि जैसा ऐसा चलते जाएंगे आपको सारी चीजें अच्छे से आती जाएंगी, बस प्रैक्टिस में बने रहो आप। तो इफ इसमें क्या होगा, k डिवाइड्स n, अगर मेरे पास k n को डिवाइड करेगा, इसका क्या है ऑर्डर, इसका ऑर्डर n है, तो अगर k मेरे पास यहां पर जो होगा अल्फा की पावर k होगा, k अगर n को डिवाइड करेगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, हमेशा phi k मिलेगा, लाइक phi k एलिमेंट मिलेंगे। तो इनको याद करने की जरूरत नहीं यार, मैं इनको याद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, नहीं आप याद करिएगा इसको, जैसे आप करते जाएंगे ना, जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे प्रैक्टिस में लाऊंगा, अपने आप आ जाएंगे, अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसको याद कर लो, नहीं, बस पहले समझने की कोशिश करो कि ये k के phi k कैसे हुए, ये चीज़ आप पहले समझने की कोशिश करो, इसको याद मत करिए, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको याद करिए, अपने आप माइंड में सेट होंगे। तो ये मेरे पास k अगर डिवाइड करेगा n को तो phi k मिलेंगे, phi k क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ये साइक्लिक है, साइक्लिक है तो उसमें k ऑर्डर के एलिमेंट क्या होते हैं, phi k होते हैं, लाइक तो अब ये मेरे पास अगर k डिवाइड ही नहीं करेगा, इफ k डजंट डिवाइड n, k यहाँ पर जो 2 के इक्वल नहीं है, पहली चीज़ तो ये थी 2 के इक्वल नहीं है, अगर वो n को डिवाइड ही नहीं करेगा तो भाई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, फिर वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो मिलने वाला नहीं है, इस घर में नहीं मिलने वाले, 2 घर हैं अगर देखा जाए तो, यहाँ पर रिफ्लेक्शन एक अपने आप में घर है, एक रोटेशन अपने आप में घर है, तो इस घर में तो कुछ नहीं मिलेगा 2 ऑर्डर के अलावा, 2 ऑर्डर का ही एलिमेंट मिलेगा, तो इसी घर में तो मिलेगा, और ये घर क्या है, साइक्लिक है, ये घर क्या है, साइक्लिक है, और साइक्लिक में हम लोग सब चीज साइक्लिक को फॉलो करेंगे। तो साइक्लिक में मुझे अगर k ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तो k को पहले डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड करना होगा k को पहले n को डिवाइड करना होगा, और डिवाइड कर गया तो phi k मिलेगा, और अगर डिवाइड नहीं कर पाया तो एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, जैसे कि हम ZN में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो याद नहीं करना है, समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, ये अपने आप चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी। तो पहले आपको ये चीज़ समझना है, और आगे मैं जब बात करता रहूँगा
तो सारी चीज़ें ये बार बार रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी कि कैसे होगा कैसे होगा, तो आप समझ जाएंगे जब मैं एग्जांपल लूंगा काफ़ी अच्छे से। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि मैंने पहले बताया कि उसमें टू ऑर्डर के एलिमेंट कितने कितने होंगे, किस किस टाइप के होंगे, किस किस टाइप के होंगे, ये भी बताया मैंने। फिर मैंने बताया कि टू ऑर्डर के एलिमेंट जो नहीं होंगे ना वो कौन से होंगे, मैंने यहाँ बताया। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती हैं। तो यार ये बेसिक है पूरा, अगर देखा जाए तो ये चीज़ें क्लियर रहेंगी तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सीधा बता दोगे एकदम। तो ये ऐसी हैं चीज़ें फ्रेंड। तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर मैं थोड़ा आपसे पहले D2 के बारे में बता दूँ। मैंने देखिए D4 के बारे में बताया, D3 के बारे में बताया, मैं D2 के बारे में बता दूँ थोड़ा सा। D2 का अगर अब मुझे कुछ भी लिखना होगा, मुझे D2 लिखना है तो मैं क्या करूँगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर इसको आइडेंटिटी एन पर आइडेंटिटी दे देता है, और यहाँ पर क्या आएगा बीटा अल्फा बीटा, भाई ऐसा ही लिखना है मुझको। अगर D2 लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा। अब देखिए D3 अगर मुझे लिखना है, अब देखिए लिखना आना चाहिए, मतलब कि तुरंत ऐसे ही लिखना है हमको भाई। रोटेशन में क्या है, आप ऐसे ही लिख सकते हो, गलत बात नहीं है। आर नॉट आर 90 आर 180 डी फोर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जैसे दिखाया था आर नॉट आर 120 आर 240, तो आप कैसे भी लिख लो, लेकिन आप लिखने का तरीका आप ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। तो डी थ्री को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा। इसीलिए देखिए मैंने बताया था डी एन को कैसे लिखते हैं, अल्फा अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा की पावर एन इसको आइडेंटिटी, और यहाँ अल्फा की पावर एन माइनस वन होता है, थ्री है तो यहाँ पर थ्री माइनस टू वन हुआ। अब देखिए इसी तरह अगर मैं डी फोर को लिखूंगा क्या होगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा की पावर फोर इसको आइडेंटिटी बीटा अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा क्यूब बीटा। तो यार कोई भी अगर आपको मिलेगा ना डी एन, आप इसी तरह ही लिखेंगे, इसी तरह ही लिखेंगे, तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना है सबसे पहली बात, तो अप्रोच ऐसे रखनी है हमको। तो डी टू से मैं स्टार्ट करता हूँ, और डी थ्री डी फोर तो मैंने बता दिया है आपको। अब मैं डी टू के बारे में आपको बताता हूँ, डी टू क्या है बेसिकली, क्योंकि इनका यूज होगा आगे, आगे चल के इनका यूज होगा। तो D2 बेसिकली है क्या, अब देखिए अगर मैं इनके एलिमेंट का ऑर्डर देखूंगा, इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर देखूंगा भाई, ये मेरे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है तो टू ऑर्डर का होगा, ये मेरे पास क्या होगा टू ऑर्डर का होगा। तो अब थोड़ा ऐसे ही चलेंगे कि अब हम इमेजिनेशन, लाइक मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, ज्योमेट्रिकली भी बता दी है कि क्या क्या टू ऑर्डर का ही क्यों होगा, तो अब हम सीधा सीधा ही चलते हैं ऐसे कि ये टू ऑर्डर का होगा, रिफ्लेक्शन है क्योंकि, और यहाँ पर ये क्या होगा, ये टू ऑर्डर का होगा, ये वन ऑर्डर का होगा। तो यहां पर क्या होगा, ये टू ऑर्डर का होगा, ये वन ऑर्डर का होगा मेरे पास, और ये मेरे पास दोनों टू ऑर्डर के होंगे, मैं दोनों को अलग अलग दिखा देता हूँ, टू ऑर्डर का ये भी होगा, टू ऑर्डर का ये भी होगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक पहले स्टेटमेंट बताई थी, टू ऑर्डर के हमेशा ऑड होते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए ऑड एलिमेंट आ रहे हैं टू ऑर्डर के, यहाँ एक आइडेंटिटी आ रहा है फ्रेंड। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये मेरे पास अल्फा अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी बीटा अल्फा बीटा हो गया। अब देखिए डी टू, डी टू क्या होगा मेरे पास, डी टू मेरे पास साइक्लिक होगा, अबेलियन होगा, मुझे ये चेक करना है। और D2 बेसिकली होता क्या है ये अभी मैं बताऊंगा आपको। तो D2 क्या मेरे पास साइक्लिक होगा, अबेलियन होगा, ये मुझे चेक करना है। तो साइक्लिक तो नहीं होने वाला है, साइक्लिक तो नहीं होने वाला है, साइक्लिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट फोर ऑर्डर का नहीं है। D2 का ऑर्डर क्या है मेरे पास, फोर है, तो फोर ऑर्डर का एलिमेंट भी होना चाहिए साइक्लिक के लिए। तो भाई D2 मेरे पास क्या है, साइक्लिक तो नहीं होगा। अच्छा इसके अगर मैं टू ऑर्डर के एलिमेंट देखूंगा तो कितने हैं, मैंने क्या बताया था टू ऑर्डर के एलिमेंट अगर एन इज इवन है तो मेरे पास एन प्लस वन होंगे। तो आप देखेंगे टू ऑर्डर के यहां मिले और एक यहां मिला, तो मेरे पास कितने एलिमेंट मिले, यहां पर थ्री एलिमेंट मिले। और मेरे पास आप देखिए अगर मैं सब ग्रुप की बात करूंगा तो इनसे एक एक सब ग्रुप बन जाएगा, टू ऑर्डर का मैं एक इससे बनाऊंगा ई बीटा और आइडेंटिटी अल्फा बीटा, एक इनसे बनाऊंगा, और फिर मैं यहां पर एक इसको लूंगा, सभी रोटेशन से बनाऊंगा, वो जेड टू के आइसोमॉर्फिक होगा, एक ये सब रूप बनेगा, एक आइडेंटिटी बनेगी मेरे पास सब रूप, और एक D2 खुद होगा मेरे पास। अब मुझे ये देखना है D2 साइक्लिक तो है नहीं, D2 क्या है मेरे पास, नॉन साइक्लिक है मेरे पास। अब ये D2 जो है ना इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये क्या है मेरे पास, रेक्टेंगल है D2 मेरे पास, क्या होता है रेक्टेंगल होता है। इसके बारे में ज्यादा मैं मतलब कि डीपली नहीं बताऊंगा, अब थोड़ा फास्ट चलूंगा, जैसे कि मैंने D4 डिस्कस कर लिया, D3 डिस्कस कर लिया, तो यार अब थोड़ा फास्ट चलता हूं मैं। तो ये मेरे पास क्या होगा, ए बी सी डी। तो यार साफ साफ देखो आप कि ये जो मेरे पास रेक्टेंगल है ना बेसिकली, क्या ये अभी ये पहले मैंने क्या बताया है, इनिशियल एंगल देखना है आपको, आपको इनिशियल एंगल देखना है। तो यार लेकिन इसमें 360 बाई अगर मैं एन करता हूँ ना, फोर साइडेड है, तो वो मेरे पास क्या आएगा, 90 आएगा, लेकिन ये 90 डिग्री से कभी भी नहीं होने वाला है, ये 90 डिग्री से रोटेट नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं रोटेशन इसमें देखूंगा
रोटेशन देखूंगा, तो आप सोचेंगे कि इसको मैं 90 डिग्री ऐसा रोटेट कर दूं, तो आप देखेंगे इसकी सिमेट्री अलग हो जाएगी। अगर मैं रेक्टेंगल को ऐसा 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो मेरे पास सिमेट्री क्या आ गई, ऐसी आ गई। और सिमेट्री चाहिए क्या हमको, ऐसी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये 90 से कभी रोटेट नहीं होगा, ये रोटेट होगा 180 से। तो इसका जो फर्स्ट होगा एलिमेंट आर नॉट होगा, सेकेंड एलिमेंट 180 आएगा। जब मैं इसको आर 180 रोटेट करूंगा, आर 180 रोटेट करूंगा, तब मेरे पास क्या होगा, ए मेरे पास सी पर चला जाएगा, बी मेरे पास डी पर आ जाएगा। तो ये मेरे पास फिर मेरे पास सिमेट्री मिलेगी। और फिर जैसे ही मैं आर 180 को फिर ऑपरेट करूंगा, लाइक आर 180 को फिर मैं रोटेट करूंगा, तो मेरे पास आर नॉट आ जाएगा। तो सिंपल सा है, इसमें कोई भी मतलब की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें 90 क्यों नहीं हो रहा है, पहली चीज ये समझना है हमको कि 90 आप करोगे तो मेरे पास ऐसी सिमेट्री है, और 90 करेंगे तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा कुछ, तो वो मेरे पास सिमेट्री रह नहीं जाएगी इसकी। तो मेरे पास क्या होगा, आर 180 होगा, और आर 180 को फिर से ऑपरेट करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, आर नॉट आएगा। तो आर 180 का ऑर्डर क्या है, 2 है। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे, अब मुझे ये मैंने ये दिया, इसके अबाउट मुझे अगर करना है हॉरिजॉन्टल, तो आप देखेंगे ए बी इंटरचेंज होगा और सी डी इंटरचेंज होगा, तो ये मेरे पास रिफ्लेक्शन आ गया। और फिर इसी तरह एक बार और ऑपरेट करूंगा तो फिर मेरे पास ई आर नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास एच हो गया रिफ्लेक्शन, और एक वर्टिकल भी इसी तरह आएगा। तो मैं बता चुका हूँ आगे, तो अब कोई दिक्कत नहीं, ये मैं रेक्टेंगल के लिए कर रहा हूँ, ए बी सी डी, और ये वर्टिकली इसी तरह होगा मेरे पास। वर्टिकली मैं इसको मूव करूंगा ऐसे, लाइक इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ मैं, ये मेरे पास ऐसा है, ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये सिमेट्री सेम रहेगी, तो उसका ऑर्डर 2 होगा। तो मेरे पास ये D2 है बेसिकली, ये मेरे पास क्या है, D2 है। तो D2 मेरे पास क्या है, ये रेक्टेंगल की सिमेट्री है, रेक्टेंगल की सिमेट्री है। तो ये मेरे पास D2 आया जो कि साइक्लिक नहीं है। क्या ये अबेलियन होगा, क्या ये अबेलियन होगा, तो आप जब चेक करेंगे कैली टेबल इसकी बनाएंगे, आप जब इसकी कैली टेबल बनाएंगे, तो यार अब मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। जब कैली टेबल बनाएंगे आप, तो R180 का ऑर्डर देखिए, पहले तो ये R180 का ऑर्डर 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो बेसिकली ये वही है मेरे पास, और ये इसका ऑर्डर 1 है। तो जब कैली टेबल आप बनाएंगे तो ये हमेशा अबेलियन होगा, हमेशा अबेलियन होगा। आप कुछ भी दो एलिमेंट ऑपरेट करेंगे, वो हमेशा ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए ही आएगा। तो ये हमेशा क्या होगा, अबेलियन होगा, ऑलवेज अबेलियन, ऑलवेज लिख दो, या अबेलियन हो ही होगा ये मेरे पास, ये क्या होगा, हमेशा अबेलियन ही होगा। आप कैली टेबल बना के इसको चेक कर सकते हैं, अब ये मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड। तो ये मेरे पास D2 जो होगा वो अबेलियन होगा और नॉन साइक्लिक होगा, अबेलियन होगा और नॉन साइक्लिक होगा। तो ये मेरे पास क्या हुआ, नॉन साइक्लिक एंड अबेलियन, अबेलियन। तो D2 मेरे पास क्या है, अबेलियन है, नॉन साइक्लिक है, इसके जितने भी सबग्रुप आएंगे सारे साइक्लिक आएंगे, जितने भी सबग्रुप आएंगे सारे साइक्लिक होंगे। सबग्रुप कौन कौन से होंगे, एक H1 इसको से मेरे पास आइडेंटिटी बन जाएगा लाइक E, फिर H2 इसको से मेरे पास क्या बन जाएगा, ये टू ऑर्डर के एलिमेंट आइडेंटिटी एंड अल्फा स्क्वायर, फिर एक H3 मेरे पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बीटा, आइडेंटिटी बीटा टू ऑर्डर का है क्योंकि, और फिर मेरे पास H4 बन जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी अल्फा बीटा, फिर इसके बाद एक मेरे पास H5 खुद ही होगा, अल्फा खुद ही होगा, मेरे पास D2 होगा। तो इसके जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप होंगे वो साइक्लिक होंगे, और ये खुद अपने आप में क्या है, अबेलियन तो है लेकिन नॉन साइक्लिक है फ्रेंड। तो यहाँ पर ये मैंने D2 के बारे में ऐसा बताया। और ये जो आइसो, ये आइसोमॉर्फिक होता है K4 के, जो D2 होता है मेरे पास K4 के आइसोमॉर्फिक होता है। K4 में भी टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 3 होते हैं फ्रेंड। तो इसलिए मैं यहाँ पर K4 के आइसोमॉर्फिक कर रहा हूँ। तो जब मैं आगे स्ट्रक्चर बताऊंगा ना आपको डीएन के, तो सब यहाँ पर यूज होगा भाई, जितनी चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ ना सारी चीज़ें यूज होती जाएंगी वहाँ पर। तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा बता रहा हूँ आपको कि जो D2 होगा K4 के आइसोमॉर्फिक होगा। मैंने आइसोमॉर्फिक क्यों बोला भाई, देखो मेरे जैसा कोई अगर बंदा है, मेरे जैसा कोई बंदा है तो तभी मैं बोल रहा हूँ उसको कि मैं उसके आइसोमॉर्फिक को या वो मेरे आइसोमॉर्फिक है, जैसी मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहा है, या जैसा मैं वर्क करता हूँ वैसा वो कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ अपने लाइक अपनी फील्ड में ऐसा वो भी कर रहा है तो मैं बोलूँगा आइसोमॉर्फिक। तो भाई K4 और D2 सेम है, दोनों आइसोमॉर्फिक है, इसके पास भी टू ऑर्डर के थ्री एलिमेंट है भाई, इसके पास भी थ्री ऑर्डर है, मतलब टू ऑर्डर के थ्री एलिमेंट होते हैं K4 के, आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी होती है, जैसा ये वर्क करता है इसके पास भी इतने ही सब ग्रुप मिलेंगे, इसके पास भी इतने सब ग्रुप मिलेंगे। तो K4 जो होगा D2 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो या तो मैं K4 बोल दूं या तो मैं D2 बोल दूं, यार बात एक ही है, या तो मैं K4 बोल दूं या तो मैं D2 बोल दूं, मेरे पास बात एक ही होगी। अब तो ये चीज याद रखेंगे, D2 जो होगा K4 का आइसोमॉर्फिक होगा। तो मैंने बताया था आपको स्मॉलेस्ट ग्रुप विच इज नॉन अबेलियन, सॉरी स्मॉलेस्ट ग्रुप विच इज अबेलियन,
बट नॉन साइक्लिक, स्मॉलेस्ट ग्रुप विच इज अबेलियन बट नॉन साइक्लिक, तो मेरे पास K4 होता है या मैं D2 बोलता हूँ उसको, सेम बात है। तो यहाँ पर ये मैंने D2 के बारे में आप, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करूँगा आपसे DN में। तो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक इफ इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ DN, H मेरे पास DN का सब ग्रुप है, देन देन H इज आइसोमॉर्फिक टू ZK, H इज आइसोमॉर्फिक टू ZK और आइदर H इज आइसोमॉर्फिक टू ZK और H इज लाइक और आइदर नहीं, H इज आइसोमॉर्फिक टू DK। तो मेरे पास क्या मैंने बोला है, DN में मेरे पास जो भी सब ग्रुप मिलेंगे या तो मतलब ZK टाइप के मिलेंगे और DK टाइप के मिलेंगे, इसके अलावा कभी कुछ नहीं मिलेगा। ZN तो होगा ही भाई, DN है मेरे पास तो ZN तो होगा ही, तो ZN के भी जितने सब ग्रुप होंगे वो भी आ जाएंगे, ZN के भी जितने सब ग्रुप होंगे वो भी आ जाएंगे और ZK टाइप के होंगे इसका मतलब है, और क्या होंगे, DK टाइप का होंगे। अगर D4 है तो D2 टाइप का मिल जाएगा मेरे पास, D6 है D3 टाइप का मिलेगा, D2 टाइप का मिलेगा, तो बस वही बोल रहा हूँ। तो आप जैसा मैं स्ट्रक्चर वाइज बताऊंगा अभी आपको, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी एकदम। और वो कैसे बनेंगे ये भी मैं बताऊंगा आपको, वो कैसे बनेंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो H इज ए सब ग्रुप ऑफ DN, अगर DN का मेरे पास कोई सब ग्रुप है तो वो ZK टाइप का होगा, DK टाइप का होगा, इसके अलावा कभी कुछ नहीं बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। और अगर D2 टाइप का होगा तो वो K4 का आइसोमॉर्फिक होगा। तो मेरे पास कैसा बनेंगे, ZK टाइप के होंगे, DK टाइप के होंगे फ्रेंड, ZN होगा तो ZN वही हो गया मेरे पास। तो अब यहां पर मैं अब डिस्कस करूंगा, एक एग्जांपल लेके डिस्कस करूंगा, सब चीजें डिस्कस करूंगा उसके बारे में। तो मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं D6 के बारे में, अब मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं D6 के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, यहां पर D6 लिया, बड़े आराम से समझेंगे इस चीज को हम लोग। D6 का मेरे पास ऑर्डर क्या होता है, 12 होता है। D6 का मेरे पास ऑर्डर क्या होता है, 12 होता है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके एलिमेंट देखूंगा किस टाइप के होंगे, सब ग्रुप देखूंगा क्या क्या सब ग्रुप बन सकते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। तो यार मतलब एक चीज़ के बारे में अगर समझ गए ना, तो फिर आपको कुछ भी दे दिया जाए, D8 D7 कुछ भी दे दिया जाए, आप सब कर लोगे, सब के बारे में बता दोगे कि कैसे कैसे इसके पास सब ग्रुप होंगे, कैसे कैसे एलिमेंट्स होंगे, सब कुछ बता दोगे आप। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, D6 का ऑर्डर 12 है, तो इसके सबसे पहले डिवाइजर क्या क्या होंगे, हर डिवाइजर पर लाइक डिवाइजर पर ही सब ग्रुप मिलेगा। देखिए D6 है मेरे पास तो डिवाइजर पर ही सब ग्रुप मिलेगा, तो ये चीज़ तो मुझे पता चल रही है, लेकिन हर डिवाइजर पर मिलेगा ये नहीं कह सकते हम, ये हम नहीं कह सकते। अगर साइक्लिक होता है तो हर डिवाइजर पर मिलता है, मुझे यूनिक सब ग्रुप मिलता है, लेकिन नॉन साइक्लिक है तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि उसके हर डिवाइजर पर सब ग्रुप मिलेगा मुझको, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पॉसिबल ऑर्डर सबसे पहले कैसे लिखूंगा, पॉसिबल ऑर्डर फिर यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ सब ग्रुप्स या ऐसे देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पॉसिबल ऑर्डर देखूंगा कि पॉसिबल ऑर्डर हो क्या क्या सकता है, सबसे पहली चीज़ ये देखूंगा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूंगा, नंबर ऑफ सब ग्रुप देखूंगा। तो आपसे बस इस चीज़ की मुझे प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि इस चीज़ से हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम ऐसे ही दिखाएंगे अब आगे हम DN की बात करेंगे, SNV जब पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही मुझे देखना रहेगा। क्या करूँगा मैं, पहले उसका ऑर्डर देखूंगा, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, पहली चीज़ ये देखें भाई, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, जो इसको डिवाइड करेगा वही ऑर्डर आएंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं इसको डिवाइड करने वाले, भाई 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा एंड 12 करेगा, ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं किसी भी सब ग्रुप बनाने के लिए। मतलब ये हो सकते हैं, मैं अभी एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं कि इनके इन पर हमेशा सब ग्रुप मिलेगा ही, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं बिल्कुल भी, लेकिन ये हो सकते हैं ये चीज। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है मेरे पास, 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है एंड 12 हो सकता है मेरे पास। तो पहले मैंने इनके पॉसिबल ऑर्डर दिखा दिए, अब मुझे क्या करना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट देखने होंगे कि 1 ऑर्डर के मेरे पास एलिमेंट कितने होंगे, इसके 1 ऑर्डर के मेरे पास एलिमेंट कितने होंगे। तो 1 ऑर्डर का यार केवल आइडेंटिटी ही मिलता है, 1 ऑर्डर का मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलता है, तो 1 ऑर्डर का क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा मेरे पास। तो 1 ऑर्डर का मेरे पास एक ही एलिमेंट होगा, और एक एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे, एक एलिमेंट है तो भाई आइडेंटिटी आएगा, तो वो क्या होगा, Z1 ही आएगा,
वन ही मिलेगा मेरे पास, एक ही सबग्रुप मिलेगा विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड वन, एक ही मुझे सबग्रुप मिलेगा जो कि जेड वन होगा, लाइक ट्रिवल इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, जेड वन का आइसोमॉर्फिक होगा। इसी तरह अगर मैं टू ऑर्डर के देखूंगा, अब देखिए यहां पर टू ऑर्डर के देखूंगा तो टू ऑर्डर के मुझे एलिमेंट्स देखने हैं। अगर मेरे पास n इवन होता है तो मेरे पास क्या होते हैं, हमेशा n प्लस वन होते हैं एलिमेंट टू ऑर्डर के। तो यानी कि n इवन है मतलब 6 है, तो 6 प्लस वन 7 एलिमेंट होंगे टू ऑर्डर के। तो देखिए वहां की चीजें यहां काम आ रही हैं और सारी रिपीट होती जाएंगी। 2 प्लस वन लाइक 7 हो जाएंगे मेरे पास एलिमेंट, 7 एलिमेंट्स हो जाएंगे मेरे पास टू ऑर्डर के। अब मुझे सबग्रुप देखना है, नंबर ऑफ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, मुझे ऑर्डर 2 के सबग्रुप देखना है कि ऑर्डर 2 के सबग्रुप कितने होंगे। भाई 2 क्या है, प्राइम है, और प्राइम होता है तो हमेशा सबग्रुप क्या मिलते हैं, साइक्लिक मिलते हैं। अगर इफ g इज प्राइम दिस इंप्लाइज g इज साइक्लिक, साइक्लिक सबग्रुप ही मिलेगा। पहली चीज तो यह है, देखिए ग्रुप थ्योरी अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो यार क्यों होगा, कैसे होगा, ये चीज जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार ये चीज बन गया याद कर लिया ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, और ये चीज ऐसे मैं बताऊंगा अभी नहीं आपको कि ये यही बनेगा, क्यों नहीं बनेगा ये भी मैं बताऊंगा आपको, रीजन भी बताऊंगा ये क्यों नहीं बनेगा यही क्यों बनेगा, सारी चीजें मैं एकदम बिल्कुल एकदम ओपन करूंगा यहाँ पर आपसे। तो यहाँ पर 7 ही एलिमेंट मिलेंगे मेरे पास टू ऑर्डर के, टू ऑर्डर प्राइम है तो मैंने आपको बताई थी स्टेटमेंट कि प्राइम होता है तो वो साइक्लिक इंप्लाई करता है, तो साइक्लिक होगा। और साइक्लिक सबग्रुप निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप इन एनी ग्रुप इन ग्रुप जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन फाई एन। लाइक मैंने क्या बताया था, साइक्लिक सबग्रुप मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन फाई जो जिस ऑर्डर का मुझे चाहिए फाई टू तो मुझे साइक्लिक मिलेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। साइक्लिक के लिए चीज होता है फॉर्मूला, और किसी के लिए नहीं होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन फाई टू, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 7 है, फाई टू करोगे मेरे पास 1 आएगा, यहां पर क्या आएगा मेरे पास 7, और 7 सब ग्रुप आएंगे वो साइक्लिक होंगे टू ऑर्डर के होंगे विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड टू। तो यार अभी इजी एकदम चल रहा है चीजें, आगे आप जब प्रैक्टिस करोगे, अभी आप फ्रेशर हैं अगर बिल्कुल एकदम शुरुआत से देख रहे हैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आप जैसे ही इसमें कमांड कर लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे, डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा सीख जाओगे, बहुत ही ज्यादा सीख जाओगे। तो यहाँ पर ये जेड टू कैसे और फिक होंगे 7 सबग्रुप मेरे पास होंगे। ओके अब देखिए यहाँ पर मुझे 3 ऑर्डर का देखना है, तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे मेरे पास। अब देखिए मैंने जो बताई थी ना स्टेटमेंट बस वही है, वही वर्क करना है। मैंने क्या बोला था आपसे कि टू ऑर्डर के एलिमेंट जहां नहीं होंगे, टू ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ देखेंगे, मतलब टू ऑर्डर के अलावा अगर मुझे एलिमेंट देखने होंगे, टू ऑर्डर के अलावा मुझे एलिमेंट्स देखने होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमेशा हमेशा रोटेशन में मिलेगा मुझे। और रोटेशन पूरा क्या बनाता है, साइक्लिक होता है, जेड एन का आइसोमॉर्फिक होता है। तो अगर मैं D6 की बात करूंगा तो D6 में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, पहले मैं ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बीटा अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा की पावर 4 बीटा, अल्फा की पावर 5 बीटा। तो ये मेरे पास D6 के एलिमेंट्स हो गए। अब देखिए इनका मैं ऑर्डर भी दिखा देता हूँ, इसका ऑर्डर क्या होगा 6 होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा, इसका ऑर्डर मेरे पास क्या होगा 4 3 12 3 होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा 6 होगा, इसका 1 होगा, इन सभी का ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है रिफ्लेक्शन है, इन सभी का ऑर्डर मेरे पास 2 होगा। तो यार इससे ज्यादा मेरे ख्याल से जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना आपको, इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये बात आप याद रख लीजिए कि इससे ज्यादा बिल्कुल एकदम ओपन करके कहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसको आराम से देखिए, एकदम बहुत अच्छे से देखिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। मुझे 3 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तो भाई मेरे रिफ्लेक्शन में तो मिलेगा नहीं 3 ऑर्डर का एलिमेंट, इसी में मिलेगा मेरे पास, इसमें मिलेगा, रोटेशन में मुझे मिलेगा, मुझे रोटेशन में 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। और ये रोटेशन किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z6 के आइसोमॉर्फिक होता है। अगर मैं बताऊं यहां पर Z6 के आइसोमॉर्फिक होता है, तो मैंने ये बोला था कि K है ऑर्डर का मेरे पास जो 2 नहीं है, 2 नहीं है तो हम कहां जाते हैं, यहां जाते हैं। अगर K डिवाइड करता है N को, N मेरे पास क्या है 6 है, अगर K 6 को डिवाइड करता है तो हमारे पास क्या मिलते हैं, फाई के लिमिट मिलते हैं। फाई के मैंने क्यों बोले थे, क्योंकि ये साइक्लिक है, साइक्लिक है तो सीधी सी बात है Z6 में K ऑर्डर के एलिमेंट क्या होते हैं, फाई के होते हैं, तो इसलिए मैंने बोले थे। तो मुझे 3 ऑर्डर के ढूंढने हैं तो उधर तो नहीं जाऊंगा, ये 2 घर बना लिया करो हमेशा, ये रिफ्लेक्शन का घर है, ये रोटेशन का घर है। रोटेशन अपने आप में पूरा एक आइसोमॉर्फिक होगा Z6 के, इनमें लेकिन नहीं होगा कि पूरे सेट से आप बना दो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो ये अपने आप में एक सबग्रुप बन जाएगा Z6 का आइसोमॉर्फिक होगा। अब यहाँ पर मुझे 3 ऑर्डर का देखना है, तो मुझे 3 ऑर्डर का देखना है तो ये देखिए, ये मुझे, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर 3 ऑर्डर के लिए क्या करूँगा, 5 3 करूँगा यहाँ पर। तो 5 3 कितने आएगा मेरे पास, 2 एलिमेंट आएंगे 3 ऑर्डर के। तो यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है 5 3 किया है, के ऑर्डर के मेरे पास क्या होते हैं 5 के होते हैं, तो 5 3 इज इक्वल टू मेरे पास 2 आएगा। अब आप देखिए 3 क्या है मेरे पास, प्राइम है,
थ्री प्राइम है और प्राइम ऑर्डर के क्या होता है, हमेशा साइक्लिक होता है। अगर इफ जी इज प्राइम दिस इंप्लाइज जी इज साइक्लिक, तो ये मेरे पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। साइक्लिक होगा तो फिर वही चीज कंडीशन लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन फाइव थ्री। अब यहां पर क्या करेंगे, फाइव पी, लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन फाइव थ्री, तो मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन फाइव थ्री। नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कितने हैं मेरे पास, टू है, और फाइव थ्री मेरे पास क्या आएगा, वो भी टू ही आएगा, तो मेरे पास वन होगा, विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड थ्री। थ्री ऑर्डर का है तो यार जेड थ्री का आइसोमॉर्फिक होगा, इसलिए मैं यहाँ पर जेड थ्री लिख रहा हूँ। तो थ्री ऑर्डर का है तो जेड थ्री का आइसोमॉर्फिक होगा। अब इसी तरह अगर मैं फोर ऑर्डर की बात करूंगा, फोर ऑर्डर के कितने एलिमेंट है इसके पास, फोर ऑर्डर के कितने एलिमेंट है भाई, उस घर में मत जाओ, रिफ्लेक्शन में कभी नहीं मिलेगा, टू ऑर्डर का होता है, यहीं पर आ जाओ। अब मैंने बोला था फोर ऑर्डर का ढूंढना है मुझे, अगर फोर सिक्स को डिवाइड करेगा तो जरूर मिलेगा, क्या फोर सिक्स को डिवाइड करता है, नहीं करता है, इसका मतलब है फोर ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं मिलेगा मेरे पास, फोर ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा मेरे पास, तो फोर ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलने वाला है। अब आप देखिए, मुझे सब ग्रुप देखना है, फोर ऑर्डर का मुझे सब ग्रुप देखना है, फोर ऑर्डर का मेरे पास सब ग्रुप बन क्या क्या सकता है, फोर ऑर्डर का मेरे पास सब ग्रुप बन क्या क्या सकता है। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं थोड़ा यहां पर बताने के लिए कुछ डिस्कस कर लेता हूं ग्रुप के बारे में, कुछ ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। स्टार्टिंग से मैं डिस्कस करता हूं कि वन ऑर्डर का मेरे पास क्या मिलेगा, हमेशा जेड वन मिलेगा। टू ऑर्डर का मेरे पास टू प्राइम है तो हमेशा जेड टू मिलेगा। थ्री ऑर्डर मेरे पास क्या है, प्राइम है तो हमेशा जेड थ्री मिलेगा, हमेशा की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। अगर मैं फोर ऑर्डर की बात करता हूं तो देखिए, फोर ऑर्डर के मेरे पास दो सब ग्रुप हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एक मेरे पास क्या होगा, एक जेड फोर हो सकता है और एक हो सकता है के फोर हो सकता है, और जो भी मिलेंगे ना वो इन्हीं इन्हीं मतलब जो भी मिलेंगे इसके अलावा मेरे पास, जो भी इनके पास सब ग्रुप मिलेंगे, लाइक फोर ऑर्डर का मेरे पास कोई भी और भी ग्रुप मिलेगा, इन्हीं में इन्हीं दोनों में से किसी के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा वो। तो बस ये याद रखेंगे, फोर ऑर्डर के क्या मिलेंगे मेरे पास, या तो जेड फोर मिलेगा या तो के फोर मिलेगा। देखिए, हर ऑर्डर का मुझे साइक्लिक सब ग्रुप तो हमेशा मिलेगा, हर ऑर्डर का मुझे साइक्लिक ग्रुप तो हमेशा ही मिलेगा, उसके साइक्लिक के अलावा भी क्या मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया, जेड फोर मिलेगा, के फोर मिलेगा। अगर मुझे और कोई भी दिया होगा तो वो मैं इसके इन दोनों के किसी ना किसी के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा फ्रेंड। तो फोर ऑर्डर का मेरे पास क्या मिलेगा, जेड फोर मिलेगा या के फोर मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन आगे काम आएगी जैसे जैसे मैं बताता चला जाऊंगा आपको। तो फोर ऑर्डर का जेड फोर मिलेगा या के फोर मिलेगा, अगर वो नॉन साइक्लिक हुआ तो हमेशा के फोर मिलेगा, विच इज क्या होता है, अबेलन होता है। के फोर क्या होता है मेरे पास, अबेलन होता है, और ये मेरे पास क्या होता है, साइक्लिक होता है। K4 किसको आइसोमॉर्फिक होता है, D2 के होता है। K4 किसके आइसोमॉर्फिक होता है, D2 के आइसोमॉर्फिक होता है। अब देखिए, मुझे 5 का देखना है, 5 ऑर्डर का क्या मिलेगा, हमेशा Z5 मिलेगा, क्योंकि P इज प्राइम, P प्राइम होगा तो हमेशा क्या मिलेगा, ZP टाइप का मुझे मिलेगा, साइक्लिक ही मिलेगा, तो इसलिए मैं Z5 कर रहा हूं। अगर मुझे 6 ऑर्डर का देखना होगा, अब मुझे 6 ऑर्डर का एलिमेंट लाइक देखना है, देखिए मैं आपको यहां तक 15 तक बताऊंगा, ऐसे ही 15 तक बताता जाऊंगा, जैसे आगे चलता जाऊंगा, तो मैं अभी तो कुछ ही डिस्कस करूंगा, 6-7 तक ही डिस्कस करूंगा, मैं सारे ऑर्डर के बताऊंगा, लगभग 15 तक तो पता होने ही चाहिए, आप किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं, 15 तक पता होने चाहिए आपको। तो 6 ऑर्डर के क्या क्या हो सकता है मेरे पास, एक तो भाई साइक्लिक होगा जो जेड सिक्स होगा, मतलब मिल सकता है, कहने बोला मैं, देखिए ये जो चीजें डिस्कस कर रहा हूं ना, ये इन सबसे हटके हैं, अभी इन सबसे हटके हैं, नहीं तो आप इसमें कन्वर्ट करेंगे नहीं, मैं एक ओवरऑल ग्रुप की बात कर रहा हूं कि इस ऑर्डर के क्या क्या ग्रुप हो सकते हैं। तो सिक्स का क्या हो सकता है, जेड सिक्स हो सकता है, या सिक्स ऑर्डर का मेरे पास डी थ्री हो सकता है, या सिक्स ऑर्डर का मेरे पास डी थ्री होगा। तो डी थ्री आगे मैं बात करूंगा, एस एन की जब बात करूंगा तो वो एस थ्री के आइसोमॉर्फिक होता है बेसिकली, तो वो मैं आगे बात करूंगा, इसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो डी एस थ्री के आइसोमॉर्फिक होता है। तो कोई भी अब ग्रुप मिलेगा ना मुझे, इन्हीं दोनों के कोई ना कोई आइसोमॉर्फिक होगा, तो सिक्स ऑर्डर का जो होगा वो डी थ्री होगा मेरे पास, और डी थ्री क्या होता है, नॉन अवेलियन होता है, मैंने बताया था वो डी थ्री क्या होता है, नॉन अवेलियन नॉन साइक्लिक होता है, डी थ्री मेरे पास नॉन अवेलियन नॉन साइक्लिक होता है। अब इसी तरह बात करूंगा, सेवन ऑर्डर के क्या मिलेगा, जेड सेवन मिलेगा मेरे पास, तो सेवन ऑर्डर का जेड सेवन मिलेगा। तो यहाँ पर अभी मैं सेवन ऑर्डर तक डिस्कस करता हूँ आपसे, और आगे फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आगे मैं 15 ऑर्डर तक आपको अच्छे से बताऊंगा एकदम। तो ये मेरे पास, ये हमेशा याद रखेंगे कि 4 ऑर्डर को पहले उसको तोड़ो कि क्या क्या बन सकता है, सोच कैसे रखनी है हमको कि क्या क्या बन सकता है, कैसे कैसे इसके सब ग्रुप बन सकते हैं, कैसे कैसे ग्रुप बन सकते हैं, ये चीज हमें यहाँ पर देखनी है। तो ये क्लियर हुआ मेरे ख्याल से। तो हाँ, एक चीज और यहाँ पर पॉइंट है इसका, कि आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप कौन सा होता है, तो डी थ्री होता है फ्रेंड। स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप कौन सा होता है, तो डी थ्री, क्योंकि इसके पहले मुझे सारे अबेलियन मिलेंगे, ये साइक्लिक है, और ये देखिए के फोर अबेलियन मिलेगा। स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक पूछेगा तो आप बोलेंगे के फोर,
स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक पूछेगा तो आप बोलेंगे के फोर, और स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन पूछेगा, भाई नॉन अबेलियन हो गया तो साइक्लिक की तो बात ही नहीं है बिल्कुल भी, तो नॉन अबेलियन पूछेगा तो मैं डी थ्री बोलूंगा, डी थ्री के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली है। तो बस ये चीज ऐसा होता है, यहाँ पर मेरे पास काम हो जाएगा इतने में। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फिर से हम अपने चीजों में आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोर ऑर्डर का मेरे पास एक भी एलिमेंट नहीं है, तो फोर ऑर्डर कैसे सबरूप मिलते हैं, दो मिलते हैं, जेड फोर मिलेगा या के फोर मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, या तो मेरे पास जेड फोर मिलेगा या तो मेरे पास के फोर मिलेगा। तो आप देखिए क्या जेड फोर मिल सकता है, जेड फोर को मिलने के लिए फोर ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, जेड फोर को मिलने के लिए फोर ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, क्या फोर ऑर्डर का एलिमेंट है। देखिए हमें अप्रोच ऐसे ही रखनी है कि जेड फोर मिलेगा के फोर मिलेगा, जेड फोर को मिलने के लिए फोर ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए क्योंकि ये साइक्लिक है फोर ऑर्डर का, लेकिन एलिमेंट है नहीं, आप साफ साफ देख रहे हैं फोर ऑर्डर का एलिमेंट है नहीं, इसका मतलब जेड फोर नहीं मिलेगा, इसका मतलब है जेड फोर नहीं मिलेगा। तो जेड फोर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है के फोर मिल सकता है, के फोर मिलेगा, और के फोर जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है डी टू के, भाई मेरे जो K4 होता है वो D2 के आइसोमॉर्फिक होता है। तो अब देखिए मैं अभी यहाँ बताऊंगा भी D2 कितने होंगे, मैं यहाँ पर D2 बताऊंगा कितने होंगे, तो अगर कभी भी DK टाइप के मिलता है ना तो आप अगर K से डिवाइड करिए इनको, अगर DK टाइप का बनाना है तो K से आपको N डिवाइड करना होगा, अगर डिवाइड करता है तो जितना आएगा, जैसे 2 से आपने डिवाइड किया 6 को, 2 3 जा 6, तो 3 मिलेंगे मेरे पास। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से मिलेंगे, ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ये मेरे पास कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे मेरे पास। तो D2 टाइप के सबग्रुप कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो यार इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये अभी मैं बताऊंगा आपको कि वो 3 होंगे कौन कौन से और कैसे बनाए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाए जाते हैं, D2 कैसे बनाए जाते हैं इसमें। तो ये चीज याद रखेंगे अब हम लोग। अब अगर मैं 6 ऑर्डर का देखूंगा, इसी तरह अगर मैं 6 ऑर्डर का देखूंगा, तो यहां पर मैं 6 ऑर्डर का मैं यहां दिखा दे रहा हूं। अगर मैं 6 ऑर्डर का पॉसिबल ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ सब ग्रुप, तो अगर मुझे 6 ऑर्डर का देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब देखिए यहां पर एलिमेंट्स कितने होंगे इसके पास, अगर मैं यहां पर एलिमेंट की बात करूंगा तो 6 ऑर्डर का कितने एलिमेंट होंगे, देखिए यहां इस घर में नहीं जाना है मुझको, इस घर में आना है, इस घर में 6 ऑर्डर का मुझे एलिमेंट, 6 अगर डिवाइड करता है इसको n को, n क्या है मेरे पास 6 है, तो जरूर मिलेगा, और वो क्या मिलता है 5 6 मिलेगा, 5 6 कितना होता है 2 होता है, 5 6 कितना होगा 2 होगा, तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 2 होंगे मेरे पास, 6 ऑर्डर के मेरे पास एलिमेंट कितने होंगे 2 होंगे, तो यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं 5 6 होंगे, लाइक 2 होंगे एलिमेंट। तो इतना क्लियर है, 6 ऑर्डर का 5 6 होगा, 2 एलिमेंट होंगे। अब मुझे नंबर ऑफ सब ग्रुप देखने हैं, अब देखिए नंबर ऑफ मुझे सब ग्रुप देखने हैं, इसके पास सब ग्रुप कितने होंगे, भाई देखो 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मेरे पास बन क्या क्या सकता है, 6 ऑर्डर का मेरे पास सब ग्रुप बन क्या क्या सकता है, तो मैंने आपको बताया था 6 ऑर्डर का या तो जेड 6 बनेगा, 6 ऑर्डर का जेड 6 बनेगा या डी 3 बनेगा। देखिए मैंने क्या बोला है आपसे कि 6 ऑर्डर का मेरे पास या तो जेड 6 बनेगा या तो डी 3 बनेगा। जेड 6 बनने के लिए क्या होता है, 6 ऑर्डर के एलिमेंट होने चाहिए, जेड 6 बनने के लिए भाई साइक्लिक है तो सीधी बात है एक एलिमेंट ऐसा होगा जो उसको जनरेट कर देगा, तो जेड 6 बनने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, 6 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहां पर कि 6 ऑर्डर का है मेरे पास एलिमेंट, कितने हैं 2 एलिमेंट है, और मुझे अब साइक्लिक सबग्रुप मुझे बनाने के लिए क्या होता है, साइक्लिक सबग्रुप कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन 5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन 5 6, जितने ऑर्डर का मुझे चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन 5 6, यानी 2/2 1 आएगा। तो मेरे पास साइक्लिक कितना होगा 1 होगा, जेड 6 कितना होगा 1 होगा। तो आपको समझ में आ रही होगी बातें, नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन 5 6 करेंगे मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2 है, 5 6 करेंगे तब भी 2 आएगा, तो मेरे पास 1 ही मिलेगा, जेड 6 ऑर्डर का एक ही मिलेगा, सब ग्रुप मिले डी 6 में जेड 6 का एक ही मिलेगा। तो यार इससे ज़्यादा अब ओपन करके आप कहीं भी देखेंगे नहीं मिलेगा, तो यार इतना ज़्यादा ओपन है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि D2 टाइप के कैसे मिलेंगे। अब देखिए D3 का कैसे मिलेगा, D3 का कैसे मिलेगा, तो देखिए मैंने क्या बोला है, DK टाइप के अगर बन रहे हैं आपके पास सब ग्रुप, DN में DK टाइप के सब ग्रुप बन रहे हैं, अगर K डिवाइड करता है N को, आगे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, K डिवाइड करता है N को, तो जितना डिवाइड करने पर आएगा ना उतने ही उसके सबरूप बनेंगे। लाइक D3 है, D3 से आप डिवाइड करो D6 को, तो 3 2 जा 6, 2 आया, तो D3 टाइप के कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अगर ये डिवाइड करेगा तो जरूर बनेगा, कितने बनेंगे, जितना डिवाइजर होगा, लाइक जितना डिवाइड करेंगे आप उतना ही बनेगा। और वो कौन कौन से बनेंगे यार, वो भी अभी मैं बताऊंगा, वो कौन कौन से बनेंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, वो भी बताऊंगा आपसे। तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूंगा, पहली चीज़ मैंने आपको यही मैंने बोला था कि मैं स्किप नहीं करूंगा, सारी चीज़ें एकदम खुल के बताऊंगा। तो 6 ऑर्डर का हो गया, इसी तरह अगर मैं
12 ऑर्डर की बात करूंगा, तो 12 ऑर्डर का तो एक भी एलिमेंट नहीं होता, 12 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो 12 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि अगर 12 ऑर्डर का एलिमेंट हो जाता तो इसका मतलब है कि ये साइक्लिक हो जाता। आप देख सकते हैं 12 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं है मेरे पास, तो 12 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं होगा फ्रेंड, तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो खुद D6 ही बनेगा, 12 ऑर्डर का ये खुद ही है, इसके अलावा तो आप कुछ बन नहीं सकता, तो 12 ऑर्डर का क्या होगा मेरे पास, खुद वो D6 ही होगा फ्रेंड, वो भी एक ही होगा, D6 एक ही होगा, तो ये मेरे पास सब ग्रुप आ गया फ्रेंड। D6 के यहाँ पर मैंने सब ग्रुप दिखा दिया, D6 का ये परिवार बता दिया आपको, और परिवार के अभी इन मेंबर्स को बाकी रह गया है बताना, ये मेरा क्या है D6 का परिवार है, और इन परिवार के इन मेंबर को बताना मुझे बाकी रह गया है, तो इसको बताना बाकी रह गया है, और Z6 को बताना। अब Z6 तो आप यहीं से ही देख सकते हैं, Z6 मेरे पास यही बनेगा, Z6 मेरे पास जो सब ग्रुप होगा वो यही होगा, तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी। जो Z3 होगा, Z3 आप देखेंगे साफ साफ कि 3 ऑर्डर ये ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर ले लेंगे, मैं हालांकि सारे डिस्कस कर दूंगा अभी आपसे, Z3 मेरे पास कौन कौन सा सबग्रुप होगा, Z3 में क्या होगा आप यहां से देखिए, Z3 मेरे पास अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा की पावर 4 होगा, और यहां पर क्या होगा अल्फा की पावर 6 आइडेंटिटी बनेगा, तो ये मेरे पास Z3 होगा, और वो भी एक ही आ रहा है, तो ऐसा सबग्रुप मिलेगा, हर सबग्रुप मैं बताऊंगा आपको। अब यहां पर आप देखेंगे Z2 टाइप के क्या मिलेंगे, इसके ये अलग अलग मिलेंगे 6, और यहाँ पर एक मिल जाएगा मेरे पास, तो ये 7 मिल जाएंगे मेरे पास, ये भी सब ग्रुप मुझे पता चल गया, ये आइडेंटिटी ओनली विट्रियल मिलेगा मेरे पास, आइडेंटिटी मिलेगा, ये भी पता चल गया मेरे पास। Z4 टाइप के मिलेंगे नहीं, क्योंकि 4 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं है इसके पास, इसलिए Z4 टाइप के नहीं मिलने वाले। अब मुझे बताना है D2 एंड D3 बताना है फ्रेंड, तो मुझे D2 एंड D3 यहाँ पर बताना है आपको। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर बात करूंगा आपसे कि मैंने आपसे बताया था पिछले लेक्चर में कि D2 टाइप के कैसे सबग्रुप होंगे, D3 टाइप के कैसे सबग्रुप होंगे, तो मैं यहाँ पर वो डिस्कस करूंगा आपसे, और सब चीज के बारे में तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि Z6 के कैसे सबग्रुप होंगे वो मैंने बताया था, सभी रोटेशन से मिलकर बनेगा, Z3 का मैंने बताया था आपको, और जितने भी सबग्रुप थे वो मैंने K4 का बताया, सॉरी K4 में तो D2 ही आ गया, तो मुझे अब D2 का बताना है और D3 का बताना है कैसे बनेंगे, और बेसिकली DK टाइप के सबग्रुप बनाए कैसे जाते हैं ये भी मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो यार ये लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो ये ध्यान से देखिएगा। अब करते क्या है बेसिकली, बड़े आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा आपको, सारी चीजें समझ में आएंगी, अगर पीछे आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो सारी चीज लिंक करेंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो D6 का ऑर्डर 12 था, और मेरे पास मैंने बोला है D2 टाइप के कैसे सबग्रुप होंगे, D3 टाइप के कैसे होंगे इसके पास सबग्रुप, और जनरल मैं बताऊंगा कि DK टाइप के होंगे कैसे सबग्रुप, बनाएंगे कैसे हम लोग वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहली चीज तो मैंने ये बताई थी कि DK टाइप के होंगे कैसे सबग्रुप, मेरे पास K अगर N को डिवाइड कर देगा तो जितना आएगा मेरे पास, जैसे K मेरे पास 2 है, 2 से डिवाइड किया 6 को तो मेरे पास 3 आया, तो 3 सबग्रुप बनेंगे। D3 टाइप के मुझे चाहिए, अगर 3 डिवाइड करेगा 6 को तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो वो 2 होंगे हमेशा, D3 के 2 होंगे और D2 के मेरे पास 3 होंगे। अब वो D2 के होंगे कौन से ये मुझे देखना है, देखिए D2 के अगर मुझे देखना है, D2 इज आइसोमॉर्फिक टू K4, जैसे कि मैंने आपको बताया था D2 आइसोमॉर्फिक टू K4। अब D2 में एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए, D2 में एलिमेंट होते हैं मेरे पास K4 के, और D2 की मैं बात करूंगा, मेरे पास एलिमेंट होते हैं अल्फा, अल्फा स्क्वायर इसको सो आइडेंटिटी, बीटा, अल्फा, बीटा, मेरे पास ऐसे टाइप के एलिमेंट होते हैं। D2 में मेरे पास एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, अल्फा, अल्फा स्क्वायर इसको सो आइडेंटिटी, बीटा, अल्फा, बीटा, ये मेरे पास D2 में एलिमेंट होते हैं। ये मेरे पास इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, इसका ऑर्डर 2 होता है, और इसका ऑर्डर 2 होता है। तो आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं K4 के आइसोमॉर्फिक है ये मेरे पास। अब मुझे D2 टाइप के बनाना है, वो भी D6 से बनाना है, D6 से मुझे D2 टाइप के बनाना है, तो मैं रोटेशन में सबसे पहले क्या करूंगा, एक 2 ऑर्डर के एलिमेंट लूंगा। देखिए यहां पर क्या होता है, देखिए जैसा यहां पर बनता है ना, मुझे सेम ऐसे ही वर्क करना है कि यहां पर क्या होता है, रोटेशन में 2 ऑर्डर के एलिमेंट होता है। तो यहां पर आप देखिए, रोटेशन में 2 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें कहां पर है, आप देखिए यहां पर, देखिए ये तो रिफ्लेक्शन है, तो D6 में मैं देखूंगा रोटेशन में 2 ऑर्डर का एलिमेंट कौन सा है। आप देख सकते हैं साफ साफ, ये मेरे पास अल्फा क्यूब है मेरे पास 2 ऑर्डर के एलिमेंट, और क्या कोई है, नहीं है। तो आप क्या करिए, इसको ले लीजिए, पहले मैं बनाने के लिए क्या करूंगा, D2, पहले मैंने अल्फा क्यूब लिया क्योंकि ये 2 ऑर्डर का है, मुझे 2 ऑर्डर का चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा आइडेंटिटी दे देगा मेरे पास, लाइक मेरे पास अल्फा 6 इसको सो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, अल्फा की पावर 6 इसको सो आइडेंटिटी आ जाएगा, मतलब अल्फा को फिर 6 टाइम ऑपरेट करूंगा तो लाइक आइडेंटिटी आएगा मेरे पास। तो फर्स्ट एलिमेंट मैंने क्या बोला है, 2 ऑर्डर का लेना है। तो ये देखो, ये मैंने बताया है कि बेसिकली D2 होता किस टाइप का है,
तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ आप अल्फा बता रहे हो, यहाँ अल्फा क्यूब ले रहे हो आप। नहीं, मैंने ये बोला है कि डी टू के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं और मैं कैसे बनाऊंगा, मैं डी सिक्स से कैसे बनाऊंगा, तो वो मैं दिखा रहा हूँ कि जो एलिमेंट होता है ये टू ऑर्डर का होता है। पहला एलिमेंट होता है जो टू ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टू ऑर्डर का कौन सा एलिमेंट है, भाई अल्फा क्यूब है। आप इसको उठा लो, अल्फा क्यूब किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब है अब ये मेरे पास टू ऑर्डर का हो गया, ये मेरे पास वन ऑर्डर का हो गया। मेरे पास जितने आएंगे क्या आएंगे, रिफ्लेक्शन आएंगे मेरे पास, क्या आएंगे, रिफ्लेक्शन आएगा। फिर मैंने बोला है आपके पास क्या आएगा, बीटा आएगा, तो बीटा मेरे पास एक आएगा, तो बीटा यहां मैंने दिखा दिया। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो सारे टू ऑर्डर के हैं, इसमें मेरे पास रिफ्लेक्शन में सारे टू ऑर्डर के हैं। कौन से लेने हैं वो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से लेने हैं इसके साथ वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखेंगे यहां पर बीटा मैंने ले लिया, तो अब आप क्या करिए, जो आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया है ना अल्फा क्यूब, इसको ऑपरेट कर दीजिए बीटा से, तो मेरे पास अल्फा क्यूब बीटा बन जाएगा। तो ये मेरे पास डी टू पहला आ गया, फर्स्ट सब ग्रुप आ गया मेरे पास। आप देखेंगे इसका भी ऑर्डर टू है, इसका भी ऑर्डर टू है, और आप जब ऑपरेट करेंगे ना बेसिकली तो सब बाइनरी ऑपरेशन सब कुछ होल्ड करेगा। तो ये D2 ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका सबग्रुप बन जाएगा। तो पहला सबग्रुप ये बन गया। अभी और आगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, देखिए पहली चीज मुझे ये देखना है D2 का अब यही बनेगा कि और भी आगे बनेंगे, और भी आगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसके सबग्रुप। तो मैंने क्या बोले थे, D2 के कितने बनने चाहिए, तीन बनने चाहिए। तो यहां से भी आपको पता चलेगा कि तीन ही बनेंगे। अभी आपने क्या किया है, रिफ्लेक्शन में क्या लिया है, ओनली बीटा और अल्फा क्यूब बीटा लिया है, बीटा और अल्फा क्यूब बीटा ही आया। इसका मतलब क्या है, बीटा आया और अल्फा क्यूब बीटा ही आया। अभी केवल दो ही रिफ्लेक्शन तो आई है, अभी केवल दो ही रिफ्लेक्शन तो आई है। यहाँ पर अभी और कितनी आ सकती हैं, ये आ सकता है और ये आ सकता है, अभी और दो रिफ्लेक्शन आ सकती है मेरे पास। तो उसको बनाने के लिए अब हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली इसमें रोटेशन फिक्स कर देते हैं। डी टू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन फिक्स कर देंगे। डी टू बनाओ या डी के बनाओ, यहां से मैं बिल्कुल एकदम जनरल बोल रहा हूँ, आपको डी के बनाना है ना, के डिवाइड कर रहा है एन को, अगर सब ग्रुप बन रहे हैं तो आप क्या करिए, रोटेशन को फिक्स कर दीजिए। मैंने यहां पर क्या किया, अभी ये मैं हटा रहा हूँ, यहां पर मैंने क्या किया, रोटेशन फिक्स कर दिया। इसको मैंने क्या किया, रोटेशन फिक्स कर दिया। अब आप देखेंगे यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, मतलब नेक्स्ट सब ग्रुप बनाने के लिए अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 6 इसको सो आइडेंटिटी, मैंने रोटेशन फिक्स कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मुझे क्या चाहिए, बीटा आ गया, अल्फा क्यूब बीटा आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा की पावर 4 बीटा, और ये चाहिए। अब इनमें से मुझे लाना है, अब मुझे इनमें से लाना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, आप देखिए आप अल्फा बीटा ले लो, आप अल्फा बीटा उठा लो। यहां पर मैंने क्या किया, अल्फा बीटा उठा लिया, अल्फा बीटा उठा लिया। अब आप क्या करिए, अल्फा क्यूब को इस पे ऑपरेट करिए, अल्फा क्यूब के इसको इस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, अल्फा की पावर 4 बीटा आएगा मेरे पास। तो मेरे पास ये भी आ गया एक सब ग्रुप, ये भी टू ऑर्डर का होगा, ये भी टू ऑर्डर का होगा, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, एक ये हो गया सब ग्रुप मेरे पास। तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको देख लेना है कि कौन से आपने रिफ्लेक्शन ली है, फिर उसके अलावा कोई भी एक उठा लो, कोई भी एक उठा लो। तो आपने देखा अल्फा बीटा आया और फिर उसको ये वाला जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको ऑपरेट करा दो, अल्फा की पावर 4 बीटा आ गया मेरे पास, तो ये भी आ गया मेरे पास। तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास अल्फा बीटा आ गया, अल्फा की पावर 4 बीटा आ गया, लाइक ये आ गया और ये भी आ गया। अब मेरे पास बचा ये, तो मुझे रोटेशन फिक्स रखनी है, मुझे अगर डीके टाइप का सबग्रुप बनाना है तो रोटेशन फिक्स रखनी होगी। तो यहां पर क्या करूंगा, मैं इसको फिक्स रखूंगा रोटेशन, इसको मैं फिक्स रखूंगा अल्फा क्यूब अल्फा सोर्स इसको सो आइडेंटिटी। अब देखिए मेरे पास क्या नहीं आया है, अल्फा की पावर 4 आ चुका, अल्फा आ चुका, अल्फा क्यूब आ चुका, ये अल्फा की पावर 5 नहीं आया, ये अल्फा स्क्वायर नहीं आया। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट क्या लूंगा, अल्फा स्क्वायर बीटा लूंगा, अल्फा स्क्वायर बीटा लूंगा फर्स्ट एलिमेंट। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला एलिमेंट इस पे ऑपरेट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा की पावर 5 बीटा आएगा। अब आप देखिए यहां पर एक सबग्रुप ये, मतलब डिफरेंट सबग्रुप बनाना है मुझे। अब आप देखिए इसमें सारी रिफ्लेक्शन आ गई, सारी रिफ्लेक्शन आ गई, अब इसके अलावा नहीं बनने वाला है सबग्रुप, इसके अलावा मेरे पास सबग्रुप नहीं बनेगा। D2 टाइप के पास यही तीन बनेंगे फ्रेंड, D2 टाइप के यही तीन सबग्रुप बनेंगे मेरे पास, तो इसके अलावा नहीं बनेगा। तो इसके D2 के कितने हो गए सबग्रुप, 3 सबग्रुप हो गए, D2 के 3 सबग्रुप हो गए फ्रेंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था D2 के कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो यहां पर एक जनरल मैं बोल सकता हूं अभी कि DK टाइप के कितने बनेंगे, कि अगर n को डिवाइड करेगा, कि अगर डिवाइड करेगा तो कितने, जितना आप डिवाइड करोगे जितनी वैल्यू आएगी उतने ही बनेंगे। तो 2, 3, 6, 3 आए मेरे पास सब ग्रुप, कैसे आए ऐसे। अब मुझे अगर D3 निकालना है, अब मुझे D3 टाइप के देखने हैं, तो यार बस यही फंडा लगाओ, यही लॉजिक लगाओ आप, खत्म, और कुछ नहीं करना है आपको। तो यार मैं बोल सकता हूँ K4 टाइप के मेरे पास 3 मिलेंगे सब ग्रुप। अब आपको क्या करना है, यही लॉजिक लगाना है D3 के लिए, D3 टाइप के। D3 क्या होता है पहले ये देखिए, D3 मेरे पास बनता कैसे है, सबसे पहले ये देखते हैं D3 बनता कैसे है मेरे पास। अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब इसको सो आइडेंटिटी, बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा,
ऐसा बनता है मेरे पास, ये मेरे पास ऐसा सब ग्रुप, लाइक ऐसा ग्रुप D3 बनता है मेरे पास, मुझे D3 बनाना है। तो सबसे पहले एलिमेंट का ऑर्डर देख लेते हैं, यहां पर 3 होगा, 3 होगा, 1 होगा, और सारे इनका क्या होगा ऑर्डर 2 होगा, इनका सबका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा फ्रेंड। अब आप देखिए मुझे क्या करना है, 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट पिक करने हैं। यहां पर D3 बनाने के लिए D6 में D3 का, लाइक D6 में D3 सब ग्रुप बनेगा, उसको सब ग्रुप बनाने के लिए लाइक मुझे क्या करना होगा, 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट पिक करने हैं। अब इसमें देखिए आप 3 ऑर्डर के एलिमेंट हैं कौन से, आप देखेंगे अल्फा स्क्वायर है 3 ऑर्डर का और अल्फा की पावर 4 है 3 ऑर्डर का, इन्हें उठा लो इस घर से, रोटेशन वाले घर से इन दोनों को उठा लो आप, तो आपके पास क्या आएगा D3 में, आपने क्या किया अल्फा स्क्वायर उठाया, अल्फा की पावर 4 उठाया। भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि D3 में 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है मेरे पास, तो इसलिए मैं यहां पर जो जो 3 ऑर्डर का होगा वो आप उठा लो। तो अल्फा स्क्वायर उठाया मैंने, अल्फा की पावर 4 उठाया। अब जैसे मैं इसको फिर से करूंगा लाइक अल्फा की पावर 6 करूंगा, मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगी मेरे पास। तो आपने क्या देखा यहां पर कि मुझे एक आइडेंटिटी भी तो चाहिए, तो आप क्या देखेंगे अल्फा स्क्वायर लिया, अल्फा की पावर 4 लिया, अल्फा की पावर 6, इसको आइडेंटिटी बेसिकली क्या करते हैं इनको ऑपरेट कर देंगे, तो मेरे पास अल्फा की पावर 6 इसको आइडेंटिटी आ जाएगा। इसमें भी यही किया गया, तो पहले मेरे पास रोटेशन आ गए 3, अब मेरे पास क्या करना है रिफ्लेक्शन देखना है। तो रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं, पहले बीटा ले लो आप, फिर क्या करो फर्स्ट वाले को ऑपरेट करो बीटा से, तो मेरे पास क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा, फिर सेकंड वाले को ऑपरेट करो बीटा से, अल्फा की पावर 4 बीटा आ जाएगा मेरे पास। तो एक ये सब ग्रुप हो गया, सबसे पहले क्या हो गया ये सब ग्रुप हो गया मेरे पास। अब आप देखिए मैंने क्या बोला है, डीके टाइप के अगर आपको बनाने हैं तो रोटेशन फिक्स करना होगा, रोटेशन फिक्स करना होगा। तो रोटेशन मेरे पास सारी आ गई जो डी थ्री में पॉसिबल है। अब आप देखिए क्या यहां पर रिफ्लेक्शन सारी आई है, रिफ्लेक्शन मेरे पास क्या आया बीटा ओनली आया, अल्फा स्क्वायर बीटा आया, लाइक ये आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा मेरे पास कहां है, ये आ गया, और अल्फा की पावर 4 बीटा ये आ गया मेरे पास। तो 3 रिफ्लेक्शन यहां पर मेरे पास आ गई, अभी भी मेरे पास 3 रिफ्लेक्शन बची हुई है, अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा की पावर 5 बीटा, अभी भी मेरे पास 3 रिफ्लेक्शन बची हुई है। तो आप देखिए तो इसका मतलब है कि अभी और आगे मुझे जाना है, रिफ्लेक्शन जब तक फिनिश ना हो जाए तब तक हम सब ग्रुप बनाते रहते हैं। मुझे नहीं पता, देखो मुझे फॉर्मूला वमूला नहीं पता, मैं सिंपल सा मुझे कुछ नहीं पता, के डिवाइड करता ये सब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब ग्रुप बनाने से मतलब है। तो जब तक आपको रिफ्लेक्शन खत्म ना हो जाए तब तक आप उसके सब ग्रुप बनाते रहिए कि कितने बनेंगे। तो आप देखेंगे अभी 3 रिफ्लेक्शन है, 3 अभी बाकी है। तो अब आप देखिए मैंने क्या बोला है, रोटेशन फिक्स रखिए, डीके बनाने के लिए कुछ भी आपको बनाना है ना, आप रिफ्लेक्शन फिक्स रखिए, इसको क्या करना है आपको, सॉरी रोटेशन आपको फिक्स रखनी है। तो ये आप फिक्स रखेंगे तो आप यहां देखेंगे अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आप देखिए मैंने क्या बोला है, जो अब यहां पर नहीं आएंगे एलिमेंट उनको ले लो, इसमें एक एलिमेंट क्या है अल्फा बीटा मिसिंग है, आप अल्फा बीटा ले लो, यहां पर अल्फा बीटा ले लो, लेकिन वो एलिमेंट इसी का ही होना है भाई, D6 का सब ग्रुप बना रहे हो तो एलिमेंट इसी का ही होगा, तो इनमें जो मिसिंग है ना आप एक एलिमेंट वो पिक कर लो, अल्फा बीटा मैंने पिक किया। अब आप क्या करो इसको ऑपरेट करो अल्फा बीटा पर, अल्फा क्यूब बीटा हो जाएगा मेरे पास, फिर उसके बाद क्या अल्फा की पावर 4 को इस पे ऑपरेट करोगे तो अल्फा की पावर 5 बीटा हो जाएगा। अब आप साफ साफ देख सकते हैं मेरे पास ये क्या हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा की पावर 5 बीटा, और देखिए यहां पर भी अल्फा स्क्वायर, अल्फा 4, और यहां पर आइडेंटिटी आ गए, तो सारे रिफ्लेक्शन आ गए यहां पर मेरे पास क्या हो गया सारे रिफ्लेक्शन आ गए, तो इसका मतलब एक सब ग्रुप ये भी मिल गया। तो आप देखेंगे तो D3 टाइप के 2 मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे इस तरह मिलेंगे, और रोटेशन हमेशा फिक्स करेंगे, हम आगे भी बात करते जाएंगे तो रोटेशन हमेशा क्या करेंगे फिक्स करके चलेंगे, रोटेशन फिक्स करेंगे रिफ्लेक्शन चेंज करेंगे। तो ये मेरे पास D2 टाइप के सब ग्रुप मैंने बताया आपको 3 मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे हमको कैसे देखना है डीके टाइप के ये भी मैंने जनरलाइज बता दिया आपको, D3 टाइप के कैसे मिलेंगे 2 मिलेंगे, और वो कैसे मिलेंगे हमको कैसे फाइंड करने होंगे ये मैंने बता दिया, रोटेशन हमेशा फिक्स करिए आप, तो ये मैंने ऐसा बताया है फ्रेंड। तो थैंक्स।